नमस्कार, जय सीएससी। मैं समर चौधरी और आज मेरे साथ सुनील सर हैं। तो सर, सबसे पहले टेक्नो 24 एस्पिरेंट्स का वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन। और एक बहुत अच्छा एग्जाम अपन ने 5 नवंबर को कंडक्ट करा है 7 स्टेट में, जिसमें अपने को पेरेंट्स और बच्चों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत शानदार बिल्कुल सर। तो और आप क्या कहना चाहोगे सर? समर सर, सबसे मेन चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट हुआ। बिल्कुल सर, 7 स्टेट में कंडक्ट हुआ। बिल्कुल सर, 1,38,000 प्लस स्टूडेंट्स इसके एस्पायरेंट्स बने। बिल्कुल सर, इसके भागीदार बने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे ले जाने के लिए इस पहले कदम के भागीदार बने हैं। तो जितनी सोच बड़ी होगी उतने ही आपके बच्चे के पंख भी फैलते जाएंगे, उतना ही बड़ा उसका मुकाम भी हासिल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी टेक्नो 24 एस्पायरेंट्स का, उन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने सीएलसी के ऊपर विश्वास किया और अपने बच्चे को रजिस्टर कराया टेक्नो 24 के लिए। टेक्नो 24 के लिए रजिस्टर करवाया, प्रतिभाओं को तलाश कर तराशने के इस महाअभियान में जो क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाया गया, उन सभी स्टूडेंट को सीएलसी की तरफ से पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन और जल्द ही उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इस वीडियो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपका जो भी पेपर रहा उसके जो भी कंटेंट थे, जो भी सब्जेक्ट थे, उसका कंप्लीट डेप्थ वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और इस पेपर की खास बात जो बच्चों के द्वारा हमें मालूम हुई वो बात थी कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होना, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सर जिन्होंने पहली बार ओएमआर को अप्रोच किया था, सर। पहली बार ओएमआर बेस्ड पेपर दिया था, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता और माइंड का जो एक्सपेंशन है इस चीजों को लेकर कि ओएमआर बेस्ड पेपर कैसे होते हैं और कॉम्पिटेटिव अप्रोच कैसी होती है, एक कॉम्पिटिशन में आप एग्जाम कैसे देते हैं, 7 स्टेट के बच्चों के साथ अपनी क्लास के एग्जाम दे रहे हैं कि 22 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको पता रहेगा कि मैं 7 स्टेट में मेरी क्लास में बच्चों में कहां खड़ा हूं। बिल्कुल, तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म अपन ने दिया है बच्चे को, तो बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस आपको पता ही है कि एग्जाम के साथ में अपन डिटेल्ड वाइज अपन मार्कशीट प्रोवाइड कराएंगे, उस बच्चे को पता लगेगा कि इस टॉपिक से मेरे सवाल आए थे, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, कौन सा मेरा स्ट्रांग है। Exactly. कि जब मेरी क्लास का जब मेरा एनुअल एग्जाम होगा या जो 12th का बच्चा जब मेरा नीट का एग्जाम होगा या जेईई का एग्जाम होगा, तो मुझे कौन से टॉपिक्स पे और ध्यान देना है, मेन फोकस कौन और किस टॉपिक पे करना है। और सबसे खास बात ये भी रही कि बच्चों ने जो सिलेबस पढ़ा था ना अपने स्कूल में उसी के ऊपर बेस्ड ये पेपर कंडक्ट करवाया गया। अभी जो रिमेनिंग सिलेबस है उससे कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होना, ये बच्चे के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस के लेवल को अराइज करता है। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के बारे में और जो आंसर की अपलोड हुई, आज ये वीडियो सॉल्यूशन हो रहा है, एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि इनकी डेट्स क्या क्या रहेंगी सर? अपन ने 5 नवंबर शाम 5 बजे टेक्नो 24 की आंसर की अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। आज 8 नवंबर रात को 8 बजे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सेपरेटली अपन अपने सीएससी सीकर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। और उसके बाद 22 नवंबर को अपन टेक्नो 24 का 5 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। मेगा अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या जीता है, क्या कैश जीता है, क्या स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, इस सब का अनाउंसमेंट मैं कहना चाहूंगा एक कुबेर का खजाना है जो 22 तारीख को खोला जाएगा। और आपने उसमें क्या क्या भागीदारी निभाई है वो सब कुछ। बिल्कुल सर। So all the best for your result. Thank you. Jai CLC. Hello student, myself Kuldeep Rathod, Team Mathematics, CLC Seeker. We are going to solve the 10th class paper of Techno 2023 Mathematics section. First question is HCF of x cube minus 3x plus 2 and x square minus 4x plus 3. So first of all we have to do factorization of these two polynomials. For this we have to use hit and trial method. Then we get x equal to 1 is a roots or a 0 of this polynomial. Now after dividing x minus 1 we get a factor of this x square plus x. Further factorization x plus 2 and x minus 1, and for this x minus 1 and x minus 3, splitting the middle term, क्या लिख सकते हैं, minus 3x or minus x. Now we have to find out the HCF. HCF means highest common factor. The common factor is x minus 1, and after for this answer will be x minus 1. The next question is question number 2. In a problem involving division
the divisor is 8 tan. We know that Euclid division, by Euclid division lemma, A equal to BQ plus R. A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is the remainder. Now according to question, the divisor, divisor means B. B is equals to 8 times the quotient, 8Q, and 4 times the remainder. Also B equal to 4 times remainder, and the remainder will be 12, R equal to 12. So B is 4 into 12, that means 48, and B equal to 48 we have to use here, 48 equal to 8Q, so Q is 6, Q, B and R. So A equal to B means 48 into Q, that is 6 plus 12, and after multiplying 486 we get 288 and 12. So answer is 300. Option number second is the correct answer. Now question number third, the GCD of 2002 and the number K is 4, then the value of K is, now we have to, for calculating GCD we have to factorize the number 2002 equal to 2 into 1001. Now we can see that there is only one factor, that is 2, and for HCF 2 we have to need 2 into 2. So GCD of that number 2002 and K is not possible 4. So for all value of K it is not possible. Answer is question, option number 4. Now next question is factors of polynomial, this polynomial x cube plus x square plus x plus 1. We can see here that x square is common in these two first two terms, x plus 1, and next is x plus 1. Now we can take x plus 1 as common factor, so x plus 1, and second is x square from here, and there is no factor, so 1 is obvious. X plus 1 and x square plus 1, these are two factors, and that is in option number 4. Now question number 5, the value of x is 2 root 2 plus root 7, so we have to find out the value of 1 by 2 x plus 1 by x. Now first of all we have to calculate the 1 by x. 1 by x is 1 upon 2 root 2 plus root 7. Now for this we have to rationalize the denominator. For rationalizing we have to multiply by the rationalizing coefficient, that is 2 root 2 minus root 7. For combine we have to use the identity, that is a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Numerator is as it is 2 root 2 minus root 7, and denominator will become 2 root 2 square, that is 8, and root 7 square, that is 7. So denominator will become 1. So value of 1 by x is equals to 2 root 2 minus root 7. Now we have to calculate the given value. Sorry, asking value. 1 by 2, x is 2 root 2 plus root 7, and 1 by x, that is 2 root 2 minus root 7. Root 7 plus root 7 minus root 7 will be cancelled out, and 2 root 2 plus 2 root 2, that is 4 root 2, and dividing, after dividing 2 we get 2 root 2 as the final answer, and third option is the correct answer. X square plus 2x equal to 45, and we have to find out the value of x power 4, 4x cube plus 4x square minus 30. We can see clearly here it is the square of x square plus 2x, x power 4, 4x square, and multiply of these two, that is 2x cube and 2ab, that is 2, yani 4x cube minus 13, and value of x square plus 2x is given already here, 45 square, and 45 square minus 13, so correct answer is 45 square
5 2 22 0 2 16 or 2 18. It is 5 2 0 2 2 0 2 5 or minus 13. That is 2 0 1 2. Option number third is correct. Now the question number seventh will be: if the system of the equation has no solution, no solution for these two linear equation, find the value of k. We have to find the value. These equation are the given equation. For no solution, we know that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. Here a1 upon a2 is 2 by 2k and b1 by b2 is k upon 3k. So, k upon 3k and not equal to c1 upon c2 and minus 7 upon minus 20. Here k cancel, 2 cancel, 1 by k equal to 1 by 3, that is not equal to minus 7 upon 20. So, you can find out that k equal to 3 is the value for which these two equations give no solution. Option number third will be correct answer. Now, next question is question number 8. The pair of equation, these two pair has solution, no solution, these values. So, we have to simplify these. 81, we can clearly see 81 is the power of 4 power of 3. So, 3 power x plus y. By comparing, we can say that x plus y equal to 4, and similarly from here, 3 power 4 into x minus y equal to 3. So, x minus y equal to power here is 1 by 4. After solving these two equation, we get by summation of these two equation 2x equal to 4 plus 1 by 4 and by subtraction means 2y equal to 4 minus 1 by 4. These we get by plus and by subtraction. X is equals to 16 plus 1 17, 17 by 4 and 4 into 2 8, and here y equal to 16 minus 1 and 15, 15 by 4 and multiply by 2 8. 17 by 8 means 2 and 1 by 8, or 11 by 8 means 1 and 7 by 8. So final answer is option number 4. Next question is 4a minus 18b plus 13c equal to 0 and 3a plus 3b minus 4c equal to 0, then the ratio of a ratio b ratio c will be. So, here we have equation and second is here. Now, by solving, we have to use the elimination method, that is we have to remove a variable from these two equation. We can see that here if we multiply this equation by 6 and add these, now we get a 4a minus 18b plus 13c. Now by multiplying 6, 6 into 3a means 18a plus 18b and last minus 24c is equals to 0 minus 0 plus 0. 18b minus 18b plus cancelled out. 4a 18a means 22a and 24 minus 13, that is 11c equal to 0. From here we get c equal to 2a. Put this c equal to 2a in equation 1 or equation 2, any form. We can see that from by putting this c equal to 2 in equation number 2, we get 3a plus 3b and minus c 2a, 8 into 2, 4 into 2, sorry, 8a equal to 0, 8a minus 3a plus, and if I minus 4a, so b equal to, sorry, 5, 5a by 3, 5a by 3. Now, we have to calculate the ratio, a ratio, b ratio, c, a ratio, b ratio, c, a, value of b is 5a by 3 and c is 2a. We can cancel the a from here, 1 ratio 5 by 3 ratio 2, multiply by 3, then final is 3 ratio 5 ratio
6. So A ratio, B ratio, C is 3:5:6. That is option number 3 is the correct answer. Now question number 10, that is a match the column type. In column A there are two equations in every option A, B and C, and in column 2 we have to find out that these equation consist unique solution, infinite many solution or no solution. For unique solution we have a condition, that is A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. For infinitely many solution, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. And for no solution, that is condition A1 upon A2 equal to B1 upon B2 and last not equal to C1 upon C2. So we have to find out these three ratios for every A, B and C. For here in A, A1 upon A2 is 2/3 and B1 upon B2 is 5/4. That is not equal to 2/3 not equal to 5/2. So here we can see that A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. So A match with first. Now, so we can see there 1 or 3 may be our answer. So for second, for B part, 2/6. That is 1/3 and A1 upon A2 equal to 1/3 and B1 by B2 is 5/15, that is also 1/3, since B1 upon B2 is 1/3. So it is dependent upon final 10/20, that is C1 by C2. 10/20 means 1/2. Here we can clearly see that A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. That means it satisfied the condition of no solution. So option, sorry, B match with third part. And clearly we can see that option number third, we have B matched with third, A matched with first, and last you have to check for C also. 5/10 means 1/2, 2/4 means 1/2 and 10/20 means 1/2. So here A1 by A2 equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2, that satisfies the infinitely many solution condition. So option number third will be the correct answer. Question number 11 is asking that which of the following equation has imaginary root. For imaginary root, every quadratic equation if it have imaginary root, so its discriminant D will be negative if it consists imaginary root. So first equation we can see that D equal to 4 square minus 4 into A means 1 or C means 2, 16 minus 8, that is A. So here we can see D equal to 8, that is not a negative number. So equation 1 will give real root. Similarly for second it also gives real root, third it is also give real root, but equation number 4, B square means 1 square minus 4 into my A is equals to 1 and C equal to 1, that gives minus 3. So here discriminant is equals to minus 3, that is a negative number. So equation number 4 consists imaginary roots. So our correct option is option number 4. Question number 12, the value of x which satisfy this equation. So we have to simplify this equation by taking LCM of these two terms, x minus 2 and x minus 4. So x minus 2, x minus 4. So here x minus 1 and x minus 4 will be multiplied, and after multiplication it sees like this, x square minus 5x plus 4, and x minus 2 will multiply with x minus 2, and finally it says x square minus 5x or plus 6, and final RHS is 339 plus 1 means 10/3. Now x square 2x square minus 5 minus 5 means minus 10x, and 4 or 6 means 10 upon, after multiplying x minus 2 and x minus 4 we get x square minus 6x or plus 8, that is equal to 10/3. We can see
2 can be common here after taking 2 and it can be divided by 10. So that will give x square minus 5x plus 5 upon x square minus 6x plus 8 equal to 5 by 3. Now we have to cross multiply these two. 3 into x square means 3x square minus 15x plus 15 equal to 5 into x square, 6 into x, 6 into 5 and 8 into 5, that is 5x square minus 30x and plus 40. 5x square, 3x square, 2x square, 15x, 30x means 15x and 15 or 40, that is 25. 25 into 2, that will be 50. So we can factorize, we can split this middle term as minus 10 or minus 5. That is 2x square minus 10x minus 5x plus 25 is equals to 0. We can see here 2x can be common, 2x. So x minus 5, and from here we can take minus 5 as common factor, x minus 5 equal to 0. X minus 5 is also a common factor, so 2x minus 5 equal to 0. This factor will give x equal to 5 and this will x equal to 5 by 2. So these two values will satisfy this equation as its solution, that is 5 and 5 by 2. Option number 2 is correct answer. Next question is 13 number. The value of k for which the equation has distinct real root. Distinct real root means discriminant of this quadratic equation will be greater than 0. Discriminant is b square minus 4ac. That is greater than 0. Here a equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to k. Put this value in here. Minus 4 square minus 4, a will be 1, c will be k. That is 16 minus 4k is greater than 0. You have to transfer 4k here. 4k, after dividing 4 we get 4 is greater than k. So answer is option number 4, k is less than 4. Next question is the 14. The quadratic equation whose roots are twice the roots of this equation. Let's say root of this equation is alpha. If alpha is root, then it will satisfy this equation. So put this alpha instead of x. Alpha square minus 5 alpha plus 2 equal to 0. So 2 alpha square minus 5 alpha plus 2 equal to 0. Now we have to find out the equation whose roots are double of this equation. Let's say roots are 2 alpha or 2 beta. We can see here 2 alpha equal to x. So alpha equal to x by 2. Now put this x alpha equal to x by 2 here. So 2 into x by 2 square minus 5 into x by 2 plus 2 equal to 0. X square by 4 multiply by 2. Then it will x square by 2 minus 5x by 2 plus 2 is equals to 0. After multiplying whole equation by 2, x square minus 5x plus 4 is equals to 0. So this equation is the required equation for which roots of this equation are the twice of the roots of this equation, 2x square minus 5x plus 2x. So our correct option is option number 2. Next question is the 15th question. The sum of terms equidistant from the beginning and the end in an arithmetic progression. In general, we can write the arithmetic progression as a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. Last terms are a plus n minus 1 into d, a plus n minus 2 into d, a plus n minus 3 into d. So it is saying that equidistant from the beginning and end, first or last.
If we add these terms as a, a plus n minus 1 into my d, that will be equal to 2a plus n minus 1 into d. That is first plus last, first plus last, and second plus second last, a plus d and a plus n minus 2 into d, that is equals to a or a 2a n minus 2d or plus d and n minus 1d, second plus second last. Similarly, third and third last is also 2a plus n minus 1 into my d, and fourth last will be 2a plus n minus 1 into d, and so on. We can clearly see that all the terms equidistance from beginning and end are equals to sum of first and last terms. That will be answer third option. Question number 16, if Sn is equals to Np plus 1 by 2 n n minus 1 into q, where Sn denote this sum of the first n terms of an arithmetic progression, then the common difference, we have to find out the common difference of this progression Sn. We know that Sn, sum of n terms is equals to n by 2, 2a, a means first term of this term, this ap, plus n minus 1 into my d. Now, we here Sn equal to np plus 1 by 2 n n minus 1 into q. After taking n by 2 common, we want to compare this with this standard formula n by 2. Here, if n by 2 is taken out as common, it will become 2p plus 1 by 2 and n, n minus 1 and q. After comparing these two, we get d equal to q. That is our answer. So, common difference for this arithmetic progression was Sn, and sum of first n terms is given is equals to q. So, question number, next question number is 17. For an arithmetic progression, sum of first 2 n term is equals to 3 times the sum of first n term. So, 2 n by 2, 2 a plus n minus 1, here n equal to 2 n. Minus 1 into d is equals to 3 times n by 2, 2a plus n minus 1 into a d, n by 2 cancel, 2a, 2 into 2a means 4a plus 2 into 2n minus 2 means 4n minus 2 into a d is equals to 3 into 2a means 6a and 3 into n minus 1, yani 3n minus 3 into d. 6a plus minus 4a means 2a. Here 4n minus 2 minus 3n minus 3, that will become n plus 1 into my d. Now, we have to find out the ratio of sum of first 3n terms upon sum of n terms. That will be 3n upon 2, 2a, value of 2a is n plus 1 into d, plus n minus 1 means 3n minus 1 into d upon sum of first n natural number means Sn, n by 2, 2a, 2a is equals to n plus 1 into d plus n minus 1 into d. After taking d from numerator and from denominator, we can cancel that, n by 2 and n by 2 is also cancelled, to 3 and n plus 1, 3 n minus 1, minus 1 plus 1 is also cancelled, n 3 n means 4 n upon n plus n, 2 n, 2 time, 3 into 2 means 6, so it is equals to 6, that is option 2. Now, question number 18, if the roots of this equation are in arithmetic progression, let us say root are a minus d, a or a plus d.
these three numbers are in arithmetic progression. So we can here see minus 12. It is the sum of roots. So minus 12, sum of roots s equals to minus b by a. Minus b, b means minus 12 and a by 1. So s equals to 12. Here s is a minus d plus a plus a plus d, that is equals to 12. Minus d plus d is cancelled, 3a equal to 12 means a equals to 4. Now product of these roots, product means d by a minus d by a, sorry, minus d by a means minus d, minus 28 upon 1, that is equals to 28. Now from here a minus d, a and a plus d is equals to 28. Value of a is 4, means 4 minus d into 4 or 4 plus d equal to 28. 28 is cancelled by 7, will give 7. 4 minus d, 4 plus d is equals to 16 minus d square is equals to 7. 16 minus 7 is 9, so d square is equals to 9. That will give d equal to 3 or minus 3. So 3 or minus 3 is the answer. So option number 3 is our correct answer. Question number 19. In figure, L is parallel to M, then angle ABC. If this angle is equals to 80, then corresponding angle, that is 80 degree. We have to find out the angle ABC. ABC, so X. For triangle ABC, we can see that 80 is the exterior angle of A. So 80 equal to sum of other two interior angle, that is X plus 45 degree. So X is equals to 80 minus 45. 80 minus 45, that will give 35 degree. So angle ABC is equals to 35 degree, that is option number 3. Now the next question is question number 20. In the given figure, if EC is parallel to AB, that EC is parallel to AB, and ECD, ECD is 70 degree. So by corresponding angle, AOD, AOD is also corresponding angle. So it is equals to 70 degree. We have to find out the angle OBD. OBD means same here, X. In triangle OBD, this triangle OBD, 70 degree is the exterior angle for vertex O. So 70 degree is equals to X plus 20 degree. So X equals to 50 degree. That is our final answer. Option number 2. Now question number 21. 21 is, in the given figure, parallel lines P and Q. P and Q. This is P and this is Q. Find value of X so that line L and M be parallel. So if L or M is parallel, so D and X by 3 plus 5, these are the alternate interior angle. So D equal to X by 3 plus 5. Now if P and Q are given as parallel, so X minus 5 and D are the co-interior angle, and sum of these two co-interior angle, equals to 180 degree. So X minus 5 plus D equal to 180 degree, and value of D is X by 3 plus 5. X minus 5 plus X by 3 plus 5. 5 and minus 5 is cancel. X plus X by 3, that is equals to 4x by 3 equal to 180, and 45. And 45 into 3, so X equal to 3 into 45, that is equals to 135 degree. So value of X is 135 degree. Option number 3 is the correct answer. Now 22,
नंबर क्वेश्चन नंबर 22 मैच द कॉलम 1 टू कॉलम 2 फॉर द वैल्यू ऑफ x इन कॉलम 1 वी हैव गिवन वेरिएबल x एंड इन कॉलम 2 वैल्यू ऑफ x इज गिवन वी हैव टू मैच दिस कॉलम इन फर्स्ट वी हैव टू एक्सटेंड दिस c पॉइंट टिल x cx cx और dx इज द पैरेलल टू ab नाउ x so this angle is also x why because these are corresponding angle x plus 20 is equals to 130 by exterior angle theorem so 130 is equals to x plus 20 means x equal to 110 so a matched with 2 now in second if bae is equals to 60 degree then CD is also 60 degree alternate interior angle 60 plus 45 plus x means 60 plus 45 plus x these three are the angles of interior angles of triangle so sum of these three is equals to 180 so x equals to 75 degree 75 degree means B matched with first option Now in C, we have to draw a parallel line from X and parallel to AB and CD. Now if this is 50 degree, 55 degree, so this is also 55 degree and 25 degree, then it is also 25 degree. Sum of these three angles, X, 55 and 25 is equals to complete angle, that is 360 degree. 55 and 25 will become 80 x equal to 360 minus 80 is equals to 280 degree so fourth so c matched with 4 now last that is d if it is 75 degree then this is also 75 degree because these two are the corresponding angle 75 degree is also the exterior angle for point C in the triangle ECF, ECF. So 75 degree is equals to X plus 30 degree. This implies X is equals to 45 degree. It is matched with third. So D will match with third. Now we have to see this option is given 2, 1, 4, 3. Option number 2 is the correct answer. Now question number 23. In the figure, angle B, angle C are the 55, 110. So this angle is 70 degree. Now angle D is 25 degree. If this is angle 55 degree, so we get this angle as 125, 150. So it is 30 degree. Now here we have to compare BC and CA, BC and CA, BC or CA. Angle opposite to BC is 70 degree. 70 degree and CA opposite to CA is 55 degree so obviously BC is greater than CA and we have to compare CA and CD CA or CD CA and CD angle opposite to CA CA is 25 degree and opposite to CD CD that is 30 degree so CD is greater than 150. How? CD is greater than the CA. So option number 2 is the correct answer. BC is greater than CA and CA is greater than CD. So option number 2 is the correct answer. Now question number 24. If a right angle triangle has sides of length 1 and root 2, we don't know which is hypotenuse or not.
So we have a possibility that 1 or root 2. If this is 1, this may be root 2, or if this is 1 and this may be root 2. In this scenario, this side must be equal to 1, and hypotenuse is equals to 1 square plus root 2 square. By Pythagoras theorem, it is equals to root 2. So possible values of third side is equals to 1 and root 3. So option 1 and root 3. Option number 4 is the correct answer. Now the question number 25. It is given that triangle ABC and triangle FDE, these are congruent triangles. So ABC is congruent with triangle FDE, F, D and E. Given that AB equal to 5, so if AB is equal to 5, then FD is also equal to 5. Now angle B is 45, so angle D is also equals to 40 degrees. And angle A equal to 80 degree, similarly angle F is equals to 80 degree. Now we have to, it is asking that DF, we can calculate that DF is equals to 5. DF equal to 5 means DF equal to 5, D equal to 5. Now angle F is not equals to 60 degree, and angle E equal to 60. 80 plus 40 and 120, so angle E is equals to 60 degree. Our option number 2nd is correct. These are 25 questions for class 10th. Myself Kuldeep Rathod, thank you very much. Hello friends, I am Nilesh Pilania from CLC Sikkur, Math faculty. Now we are discussing paper video solution of CLC Techno 24. Now we are on 26th number question, that we have then information that put the following order in a meaningful order. Options: thread, cotton, clay, cloth, rag, plant. Then we know that first is that clay, after that we on plant. Now we are get the cotton, okay dear. Now we make the thread, and after that cloth, and last rag. Then such type of option C, F, B, A, D, E. I think option number 2nd is a right. Okay. Now we are on 2nd question. Same question. Opening the textbook, attending prayer meeting, catch the bus, wearing the uniform, arriving the classroom. Firstly, we know that wearing the uniform. After that, we are catch the bus. Now catch the bus. After that, we are attending the prayer. Okay. Now we are arriving the class, and last one, after that in the classroom we open our textbook. Then we have the option D, C, B, E, A. D, C, B, D, C, B, E, A. Option number 3rd is a right answer. Okay. Now next question, same pattern question. Put the following order in the meaningful order: ocean, rain, cloud, river and monsoon. Then we know that starting monsoon, after that monsoon makes the clouds, cloud makes the rain, rain makes the river, and river meet to the ocean. Option ECBDA. Option number 2nd is a right answer. Now next question. Boys are and girls are sitting in a row in the audience in the front of the stage facing north. Audience in the front of the stage facing north. Rani is 5th to the left of Sunita. When we know that the audience faces the stage and stage facing the north, means the face of the audience is south, then Rani is 5th to the left of Sunita. We consider Sunita is here, and Rani is 5th from the Sunita, means in this side 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th, means Rani is here. And Sunita, who is 8th to the right of Nishant, and Sunita is 8th to the right of Nishant, right of Nishant. Then we make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, means Nishant is here. Am I right? Okay. Then we recheck that Sunita, who is 8th to the right of Nishant,
8th right, Sunita. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. How many children are there between Rani and Nishant? There are the two children. Option number 2nd is a right answer. Next question. If in a row of 35 children, M is the 15th from the right hand, but we know that face direction of any person, then we consider from either north and either south. M is the 15th from the right. I consider that all these children are facing towards north. M is 15th from the right and there are 10 children between M and R. Then we have the two possibilities. First is that M is here and 10 persons are between them, M and R. And next is that M is 15th from here and there are 10 persons between M and R. Okay. Then what is the position of the R from the left end of the row? Then we have the two answers. First from this possibility and next one from this possibility. And we have option that 15th, maybe 5, maybe 13, maybe, but data insufficient is a right answer. Because we have know that from two possibilities, either we have the two answers and in our options, there is a no any type, such type of the options, we select them. Now we are on second, next question. Amit's age is equal to Sumit's age. Amit's age equals to Sumit's age as they are twins. Richa is younger than Sumit. And Richa is younger than Jyotsna. Matlab Jyotsna, jo bhi possibility banegi Jyotsna ki, wo dono rahenge. But older than Saurabh. Richa is younger than Jyotsna, but older than Saurabh. Sumit is younger than Jyotsna. Matlab Jyotsna is older than Sumit. Tell me who is the tallest among them, Jyotsna. Option number 2nd is a right answer. Next question. 6 person M, N, O, P and R are sitting in the 2 row with 3 persons per row. Q is not at the end. We know that 2 rows are such type of the, we make the 2 rows. Q is not at the end of any of the line. Q is not on the end of the end of the line. P sits second to the left of R. So P R is here and P sits second to the left of R. Then we consider that. Next one. Then we are that P sits second to the left of R. P is here and R is here. P sits second left of R. First left and second left. O is in the neighbor of O. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. For what? Diagonally opposite to P. Who is the diagonally opposite to P? And. And N is for which O? Then O is here. And we know that O is the neighbor of Q, means Q is here. N is the neighbor of R. N is here. Then rest one, which one? M. M is here. Based on the above information, who is the opposite of N? Q. Option number 2nd is a right answer. Next. Some of friend sitting in the octagonal position in one of the corner, all are facing towards the middle. Mahima is sitting diagonally in the front of Ram. Firstly, we make the diagonal octagonal face. This one, okay? And all are facing towards the middle. Mahima is sitting diagonally in the front of Ram. Means Mahima is here, then Ram is here. Ram is sitting to the right of Sushma. Means Sushma is here. Ravi is sitting next to the Sushma. Ravi is next to the Sushma and opposite to the Gridhar. Opposite to the Gridhar.
Gridhar is sitting to the left of Chandra. Gridhar is sitting to the left of Chandra, and Savitri is not on the right side of the Mahima. Savitri is not on the right side of the Mahima means Savitri is not here. Means we have only a single position for Savitri, means Savitri is here. Then Savitri is here means who is that? Next one, Salini is the rest person. Then Salini is here. Salini is here. Who is sitting to the right of Salini? Right of Salini. Right of Salini means Ravi. Option number first is a right answer. Six student A, B, C, D, E and F are sitting in the field. A and B are from Nehru Park, like as the puzzle. Then we consider that A, B, C, D, E and F. Likes as a, we are make the table for our solution. Nehru House. A and B are only for Nehru House, and while the rest belong from the Gandhi House, and rest belong from the Gandhi House. Okay, dear. Next, D and F are tall. Tall ke according discuss kar lete hain. D and F. D and F are tall, and all rest and while the others are short. Sort, sort and sort. Okay. A, B, C, D are wearing the glasses. Agar we are discussing over the glasses. A, C and D are wearing the glasses while others are not. Which two students who are not wear the glass? Then we know that A wear the glass, C wear the glass and D wear also wear the glass. Who are not wearing the glass are sort. Are sort. Then we know that B and E and F are not wearing the glass, but they are sort. Then we know that B is sort, okay, and next E is also sort, but F is tall, but we need to sort. Means our answer is B and E. Option number third is a right answer. In the following question, select the related word from the given alternatives. Then we know that this question related to the analogy, and analogy says that A opposite to Z, Z, A, B, Y, Y, B means all they are arranged as the opposite sequence. Then C, X, X, C, D, W, W, D. Option X, C, W, D. X, C, W, D. Option number fourth is a right answer. Next one. My brother is 562 days older than me. My brother means brother is here, and older than me. Older than me means they born early to me. Older than 562 days older than me. Okay. Whereas my sister is 75 weeks and 3 days. Whereas my sister is 75 weeks and 3 days older than me. Older than him, sorry. Older than him. Okay. If my sister was born on Tuesday, then on which day I was born? Which day I was born? We know that when sister is born on Tuesday and the difference between the sister and brother is 75 weeks and 3 days, means the total difference has the 3 days. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday means my brother born on Friday. Okay, dear. And 562 days we convert as the week divided by 7. 7 means 80 weeks and 2 days. The remain odd days as a 2. Friday means Saturday and Sunday. Matlab myself was born on Sunday. Option number which one? Option number first. Okay, dear. Next. If 10th March of 2001 is Saturday, then what will be the day of 10th March of 2010? Then we know that 10th March, code of March for 1, 2000 remainder 400 so divide, code of the century is 6 or 0 divided by 7.
0 and 0 means Saturday. Then 10th code of March 4 10 2006, 4 2 8 divided by 7 14, remainder 1 11, 7 1 7 remainder 4. Remainder 4 means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Option number 2nd is a right answer. Next, find the missing number in the following matrix. We make the sum of them. 2, 50, 62. 62 multiply by 2, this one. This 6, 360, 360, 72. Multiply by 2, 4, 4, 6, 7. Okay? Then, x plus 350 plus 1110 equals to 364 divided by 2. Then we make that put the value equals to 6 to the 12, remainder 1, 8 and 2. This one 300, 400, 460. Okay, less 2, 2, 2. Then x equals to 222. Option number 1st is a right answer. Okay, next. It is a 3 o'clock on my watch at the moment if the hour end is facing the east. Means here 12, 3, 6 and 9. We know that. And this is the direction. North, east and west and south. Sorry, south and west. Okay. If the hour end facing east. At 3 o'clock. At 3 o'clock means hour hand is here and minute hand is here. On then, on 3 o'clock, my watch at the moment, if the hour hand is facing east, hour hand facing east is east, north, south, west. Then on which the minute hand be shown? North. Option number 1st is the right answer. Next, in the question below are given the statement followed by the conclusion. You have take given statement to be truly even if they seems to be at the variance with the commonly known facts. Read the conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known facts. Give the answer. Is related to the Sellox. Now some birds are got. Some birds are got. And some goats are horse. Some goats are horse. Some horses are lions. Some horses are lion. Some lions are tiger. Some lions are tiger. First, some tigers are goat. Some tigers are goat. The element between the goat and tiger have no relation. Means first is no tiger is a goat. Tiger and goat have the no relation. Some lions are bird. Some lions are bird is no relation. No lions is bird. No lion is a bird. But we know that between them and between them make the either or condition. So option first and second and either third and fourth is right. Option number third is a right. Okay, thank you. Dear students, myself Narendra Kumar, team physics CLC Sikar. So class 10 techno paper physics section may question 41. Image formed by the convex mirror is always. So convex mirror will always form virtual erect and diminished image. So all three options are correct. So correct option is 4. So let's move to the next question, 42. An object is placed at 10 cm from a convex mirror. In convex mirror, image will be found always behind the mirror. So behind the mirror means option number 2 and option 3 are incorrect because image will never form in front of convex mirror. So now by lens formula, we have to calculate the position of image. So 1 by V plus, let's place the value of U, 10 centimeter. So it will be negative according to sign convention. So according to sign convention, it will be minus 10. And focal length of convex mirror is always positive. So it will be 20. By solving this, we will get V is equal to 20 by 3 and that is equal to 6.67 centimeter. And we will get V positive. V positive means image is behind the convex mirror. So correct option will be option number 4, 6.67
centimeter and behind the mirror. Let's move to the next question. A rod of length 5 cm lies along the principal axis of a concave mirror. Situation is something like that is our concave mirror. That is our rod AB and its length is 5 cm. Now focal length of the mirror is 15 cm and focal length of concave mirror is negative. In such a way that end B of the rod is closer to the pole 30 cm away, then I will say and B of the rod is closer and this distance is 30 cm and 30 cm means it will be 2F. This means point B is at radius of curvature and if an object is placed at the radius of curvature then its image will form at the same point. So now we have to find the position of image of point A. So for point A, distance of point A from the pole of the mirror will be 30 plus 5 means 35. That is for point A. Now by mirror formula, one by V plus one by U equal to one by F. Then by placing the values, let's place the values one by V plus one by U. Value of U is minus 35 equal to one by focal length is minus 15. By solving, we will get the value of V is equal to minus 26.25 centimeter. So image of point B will be at the same point because the end closer to the pole is at 30 centimeter away, means at the radius of, at the center of curvature, and image of point A will be somewhere at this point. And that is our image. So this distance is provided to us 26.25. Now we have to find the length of image, means length of, we have to find length of image means A dash B dash, and that will be 30 minus 26.25. And that is will be equal to 3.5 centimeter. Means this will be the length and that is equal to 3.75 centimeter. So very easy question, means point B of the rod is already at the center of curvature. So image will be at the same position. And for point A, its image will be found by image by the mirror formula. So correct option is 3.75 centimeter and correct option is option number 2. So let's students move to the next question. Question 44. For total internal reflection, there are two conditions. Light have to travel from denser medium to the rarer medium, and second one, angle of incidence at the interface separating two medium should be greater than the critical angle. So from here, option 2 is correct. Light travels from denser to rarer medium. Let's move to the next question. 45. Two thin lenses of power
+5D and -2D are placed in contact. When two thin lanes are placed in contact, then power of the combination is given by P equal to P1 plus P2. Power means 1 by focal length in meter. And here power is given 5 and minus 2, so that will be equal to 3. Then 1 by focal length equal to 3. So by solving, focal length will be equal to plus 0.33 meter. So focal length of the combination of two thin lenses is determined by the formula P equal to P1 plus P2. Just put the values and get the answer, plus 0.33 meter. So correct option is third option. Let's move to the next question. 46. Students, very easy question. Let's understand it. Real and virtual, both type of image are formed, and virtual and real both image will be formed in case of convex lens. And real image will be formed when object is placed from the focal length and infinity anywhere. So let's say it will be a point called focal length. It will be a point 1, point 2. Distance of point 1 from lens, say u1. Distance of point 2, say u2. Okay. Now, having the same magnification, magnification for real image will be negative and magnification for virtual image will be positive. Here magnification are given equal, means their magnitudes are equal, and magnification in case of lens is given by f upon f plus u. So when object is placed at position 1, then magnification, I will represent it by m1. It will be f upon f. u1, according to sign convention, u1 will be negative, then it will be minus u1. But we know m1, yani for real image, it will be negative, so we have to take its magnitude. So that will be equal to, and it will be equal to f upon u1 minus f. Next, similarly for position 2, point is between focal point and optical center, so image will be formed virtual, and for virtual image magnification will be positive. So for position 2, m2 will be equal to f upon f, but u2 will be again negative according to sign convention. So its magnitude will be same because it is already positive. So according to the statement of question, means m1 and m2 both are positive. Means f upon u1 minus f is equal to f upon f minus u2. By solving it, we will get focal length is equal to u1 plus u2 by 2. So we just have to equate the magnification of the images for two different positions of the object. So correct answer will be option number 3. So let's move to the next question, question number 47. Select the correct sequence of light. Select the correct sequence of light entering the different parts of the human eye. When light enters the human eye, it will first,
the outermost part of eye is cornea. So first part will be cornea and then iris, pupil, lens and retina. So according to the position of different parts of eye, it will first enter in cornea and then move iris, pupil, lens and retina. So correct option is 4. If you remember correctly the shape of human eye, then very easy question. Let's move to question number 48. Sheila cannot read newspaper when she holds it closer than 100 centimeter. This means near point is given as 100 centimeter, but according to sign convention it will be negative. Defect in her eye and lens prescribed. First, lens prescribed, near point is eyes near point means where we want to see the object, and where we want to see the object means it will be considered as object position, and that will be equal to minus, means near point of the eye is shifted away. So let's calculate by the formula. By putting the values near point minus 100 by calculation we get focal length is equal to 100 by 3, but we have to calculate power, then power will be calculated by formula 100 upon focal length in centimeter. By putting the values we will get plus 3 diopter. So power obtained will be plus 3 diopter, and then lens we have to use, power will be positive for convex lens, and to correct convex lens is used for hypermetropia. Hypermetropia in which a person cannot be able to see nearby objects. So correct option will be 4. Let's move to the next question. Question 49. 4 joule work is required to done in stretching a spring. Work done in stretching a spring is given by half of kx square. Work done is given 4 joule. We have to calculate the value of k spring constant into x, yani stretching ya increase or decrease in length, it will be 4 centimeter. Let's convert it into meter. By calculation we will get value of force constant 5 into 10 ki power 3 newton per meter. So correct option will be option number 1. So you have to carefully choose the option, because option 1 and 3 both are similar, but there is a difference in unit. Here it will be in centimeter and now newton per meter. So I hope all of you have done it correctly. Next, question number 50. A bomb of mass 9 kg initially at rest explodes into 2 pieces. Now kinetic energy of 3 kg mass is 216. So kinetic energy is given by the formula half mv square. Kinetic energy is 216 and kinetic energy is given for 3 kg mass. Then velocity for 3 kg mass will be 12 meter per second. We will obtain it by calculation. Now a bomb of mass 9 kg explodes, mean in case of explosion, and it will be considered internal explosion, so momentum will be conserved. So momentum means initial momentum and final momentum same, then both parts will have equal magnitude of momentum. It will be equal for 3 kg both have same momentum but in opposite direction.
So for 3 kg mass, 3 kg and its velocity is 12, and for 6 kg its mass is 6 and velocity that we have to calculate. So by calculation we will get 6 meter per second. Here we are talking about 3 kg mass. So correct option will be 6 meter per second. So option number 4 will be a correct answer. Okay. So now these 41 to 50 belongs to the physics section. I hope all of you have done very well. Nice. Hello everyone. We started now solution of Techno 2024 subject chemistry. Question number 51 is neutron discovered by. Easy question, neutron discovered by, we know that the answer is James Chadwick. We know that neutron is a neutral particle and it is present in nucleus, and it is discovered by James Chadwick. Simple the question. Next, E upon M for electron is E upon M. What is the meaning of E upon M? हम बात करें electrons के लिए. अब electron mean एक charged particle, और E upon M का मतलब होता है the ratio of charge and mass. The ratio of charge and mass for electron. We know that the value of charge for electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. अब बड़ा mass 9.1 into 10 to the power -28. It is coulomb, it is gram. अब उसमें माइनस क्यों नहीं लगाया बेटा? माइनस हम इनको इंडिकेट करता है उसकी नेचर को, बल्कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम उसका ओनली मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं. तो मैग्नीट्यूड है 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड द मास है 9.1 10 टू द पावर -28 ग्राम, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी फाइंड द आंसर इज 1.75 इनटू 10 टू द पावर 8, यूनिट बनेगी कूलम पर ग्राम. मीन 1.75 ऑप्शन नंबर 1 में है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. Now, question number 53, you from a container having 64 gram oxygen, 11.2 liter oxygen get STP and itne molecule atoms are removed, point are removed. Total number of oxygen, you putting total weight of oxygen jo humare paas given hai, wo hai 64, total weight. 64 gram. Ab bola hai ki 11.2 liter oxygen गैस एट एसटीपी, तो एट एसटीपी हम चेक करने वाले हैं कितना वेट ऑक्सीजन कवर करती है 11.2 लीटर के अंदर. तो हमको पता होता है कि मोल हमको यदि कैलकुलेट करने हो और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन हो, तो हम डिवाइड किससे करते हैं 22.4 से. सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 1/2, और इसके यदि मोल को हमको वेट में कन्वर्ट करना है तो हमको ये भी पता है कि वेट में अपन मॉलिकुलर वेट का डिवाइड करके और उसका वेट निकाल सकते हैं. मोल है 1/2 और मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है तो बेटा 32. सॉल्व करने पर इसका वेट बनेगा 16 ग्राम, पहली कंडीशन. आगे बोला है कि इतने ऑक्सीजन एटम और रिमूव करने हैं अपन को, इतने ऑक्सीजन एटम और रिमूव करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करते हैं कि वापस से यदि हमको मोल निकालने हो तो मोल बराबर और क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम गिवन हो तो डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से. नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.022 10 टू द पावर 23, एंड एवोगाड्रो नंबर है 6.022 10 टू द पावर 23. सॉल्व करने पर मोल तो वापस से आया 1. नंबर ऑफ मोल यदि 1 है तो इसको वापस से हम वेट में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी नो दैट मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. वेट इक्वल टू मोल की वैल्यू 1. इस बार बेटा एटम बोला है और एटम का जो एटॉमिक वेट है वो 32 ना लिख के अपन कितना लिखने वाला है 16. अकेले सिंगल ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 16. तो इसका जो वेट बनेगा वो भी कितना बनेगा 16 ग्राम. नाउ देखो देखो बेटा, टोटल हम रिमूव कितना कर रहे हैं, तो 16 ग्राम इधर से रिमूव किया था, 16 इधर से रिमूव कर लिया, तो टोटल रिमूव हो गया 32 ग्राम, एंड वी हैव टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 64. तो बेटा लेफ्ट अमाउंट कितना बचा, तो लेफ्ट अमाउंट बचा हमारे पास 64 माइनस का 32, देन आंसर इज 32 ग्राम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन में ये चेक करना है हमको ए बी और सी की वैल्यू क्या होंगी. इक्वेशन है एफ ई प्लस एच टू ओ कन्वर्ट इन टू एफ ई थ्री ओ फोर एंड प्लस एच टू. बेटा वन मोल एफ ई
प्रोडक्ट साइड 3 mole Fe। बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या, मास ऑफ कंजर्वेशन के बेस पे रिएक्शंस वर्क करती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल है वो सेम होने चाहिए, तो उसी के बेस पे हम करेंगे काम। कि साहब Fe3, 3 atoms ऑफ Fe, इट्स अ सिंगल एटम ऑफ Fe, मल्टीप्लाई बाई 3 फॉर बैलेंसिंग दैम। नाउ चेक इट ऑक्सीजन एटम, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, नाउ 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड। आफ्टर दिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट रिएक्टेंट साइड, नाउ 8, एंड हेयर प्रोडक्ट साइड ओनली 2, दैट मल्टीप्लाई बाई 4। नाउ चेक इट, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ बी इज 4, एंड वैल्यू ऑफ सी इज ऑल्सो 4, दैट आंसर इज 3, 4, 4, 3, 4, 4, सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, पूछा है इनमें से, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनमें से जो केमिकल रिएक्शन हमको दे रखी है उसमें किस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहला बोला है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, किसी गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करना है वो भी अंडर प्रेशर। तो रखे रहे कि स्टोर करने में क्या इश्यू है, स्टोर करने में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये एक फिजिकल प्रोसेस का चेंज है, फिजिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अब लिक्विफिकेशन ऑफ एयर से मीन क्या कि आप एयर के ऊपर हाई प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर डाउन कर दीजिए तो वो एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, कंडीशन को रिवर्स कर दो वापस से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश, ये लो सभी चाइना डिश, पेट्रोल को ओपन में रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेट्रोल इवेपोराइज में हो जाए, इवेपोरेट हो जाएगा। अब पेट्रोल के इवेपोरेशन होने से कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही, तो ये भी कोई केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है हीटिंग कॉपर वायर, बेटा कॉपर वायर मतलब CU, प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको हीट करना है, तो एयर यानी कि ऑक्सीजन लेंगे ज़्यादा अमाउंट में और उसको बेटा अपन को हीट करना है, हीट करेंगे तो कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके और क्या बना लेंगे, कॉपर का ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रखी है। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट में कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग थे, प्रोडक्ट में कॉपर का ऑक्साइड बन गया, मतलब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा, एक तरह की केमिकल रिएक्शन, तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा। ऑप्शन गिवन है हमको Fe2O3 कन्वर्ट हो रहा है एक तो Fe में रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इन दिस रिएक्शन वी शो दैट Fe2O3 हैव ऑक्सीजन एटम, Fe नो ऑक्सीजन, मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन दिस चेंज एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, एंड CO2 मीन ऑक्सीजन गेन हुई है यहाँ पे, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो ये तो श्योर हो गया कि Fe2O3 का रिडक्शन हो रखा है और CO का ऑक्सीडेशन हो रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट Fe2O3 रिड्यूस ऑक्सीडाइज, ठीक है। थर्ड बोला है Fe2O3 इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स का मीन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन दैट इज आर कैपेबल टू ऑक्सीडाइज, सॉरी कैपेबल टू रिड्यूस अदर, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन खुद का हो रखा हो, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, और जो दूसरे का रिडक्शन कराएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या रहेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट यदि निकालना है तो ये चेक कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कौन सी हो, इसमें क्या बोला Fe2O3, तो ये बात तो गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है Fe इज गेटिंग रिड्यूस, ना बेटा रिडक्शन तो Fe2O3 का हो रहा है ना कि Fe का, तो ये बात भी गलत हो गई। तो सही कौन कौन सी है, ए और बी, ए और बी आए थर्ड ऑप्शन में, हो गया। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो कंपाउंड काम आता है बेटा उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग पोटास एलम, कौन सा बेटा पोटास एलम, यदि हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लोकल लैंग्वेज के अंदर पोटास एलम को बोलते हैं बेटा बेसिकली फिटकरी, और फिटकरी या पोटास एलम जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस.24H2O, मीन सेकेंड ऑप्शन, दैट इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। नाउ चेक इट,
कि पहले तो रिएक्शन के अंदर जब होगी तो यहाँ पे गैस कौन सी इवॉल्व होगी, तो चेक करेंगे बेटा कि मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हमको गिवन है, एसिड से वो रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे बनते हैं मेटल के सॉल्ट, तो यहाँ पे ये बना मेटल का सॉल्ट, साथ में बनती है बेटा H2O, साथ में बनता है CO2। हमसे गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो वो गैस इवॉल्व होती है CO2। अब CO2 की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमसे पूछा गया है। पहला, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH2। इसकी यदि हम CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बेटा CaCO3 और प्लस H2O के अंदर, और ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है बेटा ये होता है मिल्की या बोलूँ वाइट। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में यदि CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से वो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो ये स्टेटमेंट तो इनका करेक्ट है। इट एक्सटिंग्विश ए बर्निंग फ्लेम। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर काम आती है, और फायर एक्सटिंग्विशर काम आती है तो बिल्कुल बर्निंग फ्लेम को वो एक्सटिंग्विश करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात कर रहे हैं, और बोल रहा है कि इसमें यदि CO2 को हम पास करें, यहाँ पे इसके 2 मोल लीजिए, रिएक्शन बैलेंस करते टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेटा सोडियम का कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल। हमसे ये पूछ रहा है कि सब CO2 इसमें डिजॉल्व होती है, बिल्कुल डिजॉल्व होगी तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। फोर्थ ऑप्शन है, इट हैज़ ए पुंगेंट ऑर्डर। पुंगेंट का मतलब होता है बेटा एक तरह से गंदी गंध यानी गंदी स्मेल, बैड स्मेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई बैड स्मेल नहीं होती, वो एक अडरलेस गैस होती है, और अडरलेस गैस होने की वजह से ये इसका ऑप्शन बैठेगा नहीं, और ये नहीं बैठेगा। तो सही कौन से हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, मतलब A, B and C जो कि हमको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम मीन क्या? वी नो दैट पोटेशियम सिंबल इज K, एटॉमिक नंबर 19, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s में 1। हमको बेटा इसके लिए बात करनी है, क्यों करनी है इसके बारे में बात, क्वेश्चन में यही पूछा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट निकालना है। क्वांटम नंबर के सेट बेसिकली बात करें 4 तरह के होंगे, N, L, M और S, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों की वैल्यू निकालनी है हमको 4s1 के लिए। ये जो हमको बेटा स्टार्टिंग में जो दिया होता है नंबर ऑफ शेल, ये इंडिकेट करता है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी कि n की वैल्यू रहेगी 4। L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, और L की जो वैल्यू है वो बेटा सब शेल को इंडिकेट करती है। 4 तरह के सब शेल होते हैं, SPDF फिक्स वैल्यू है, S के लिए L की वैल्यू 1 होती है, P की 1, S के लिए 0, P की 1, D की 2 और F की कितनी रहेगी बेटा 3। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, S, तो S के लिए L की वैल्यू कितनी लिखोगे, 0। S के लिए L की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा, 0। ऐसे ही D के लिए बात करें, D नहीं, आगे बोला बेटा M की वैल्यू। अब जो M है वो होता है फ्रॉम -L to +L, -L से लेके +L का मतलब यहाँ पे L यदि 0 है तो M भी कितना होगा, 0। और S का तो फिक्स होता है कि स्पिन क्वांटम नंबर जिनकी वैल्यू ±½ के बराबर होती है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें चारों डेटा गिवन हो, 4, 0, 0 और हाफ, तो 4, 0, 0 और हाफ हमको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है, यानी कि ऐसा हमको ढूंढना है जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है तो न्यूट्रॉन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हमको ये पता है किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ZX से, और यदि हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1, इफ बी चेक इट, 14 - 6 = 8, 15 - 7 = 8, 17 - 9 = 8, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों के अंदर 8 आ रखे हैं, तो इसका मतलब ये आइसोटोनिक का एग्जांपल है। सेकंड ऑप्शन, 12 - 7 = 5, 14 - 7 = 7, डिफरेंट आ गया, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 14 - 7 = 8, 14 - 7 = 7, इसमें भी डिफरेंट आ गया, 8, 7 इधर भी डिफरेंस आ गया, मतलब हमको आइसोटोनिक सर्च करना है। दिख रहा सीधा सीधा पहला आंसर 14
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा आइसोटोनिक। निकालने का तरीका क्या है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आई होप यू डू ऑल गुड एंड इन ऑल योर क्वेश्चंस। वी विश फॉर योर स्कॉलरशिप इन टेक्नो 24। थैंक यू, गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेक्नो का सॉल्यूशन करेंगे। आई एम रितिका। आज बायोलॉजी सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61, पल्मोनरी वेन कैरीज। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड प्रेजेंट हो जाता है? इम्प्योर ब्लड ऑलवेज नहीं होगा क्योंकि हम वेन के साथ लेते हैं, पर यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? प्योर ब्लड ऑलवेज। एक अकेला एक्सेप्शन है जिसके अंदर पल्मोनरी वेन में ब्लड प्रेजेंट हो जाता है, वो कौन सा ब्लड होएगा? प्योर ब्लड, क्योंकि बाकी सब वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन मैन। मैन के अंदर एयर पैसेज का हमने करेक्ट सीक्वेंस बताना है, वो करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा इसके अंदर से? देखिए, नेजल कैविटी प्रेजेंट है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई सैक। हमारा एग्जैक्टली आंसर जो निकल रहा है इसके अंदर से सीक्वेंस में, वो फर्स्ट आंसर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रोंग। हमने इसके अंदर से स्टेटमेंट्स बतानी है, रोंग कौन सी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है हमारी। तो रोंग स्टेटमेंट के लिए ल्यूकोसाइट्स डिसइंटीग्रेट इन स्प्लीन एंड लीवर यहाँ पे हो जाएगा, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। ये तो डायरेक्टली हो रहा है कि हमारा आंसर निकल ही रहा है यहाँ से। देन न्यूट्रोफिल्स ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स ऑफ प्रोटीन ओरिजन, या फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। हमारा आंसर कैसे निकल गया रहा है यहाँ से? हमारा आंसर नंबर आ रहा है थर्ड, ए एंड सी ओनली। डायरेक्टली देख के पता चल रहा है हमने रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी थी यहाँ पे, ल्यूकोसाइट्स डिसइंटीग्रेट इन स्प्लीन एंड लीवर हो जाएगी एक तो, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स ऑफ प्रोटीन ओरिजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट व्हेन एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड से एक्सपोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेनोमेना। आपने फिनोमेना का बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है वो बता के चलना है यहाँ पे। इट नीड्स लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ऐसा तो नहीं है हमारे साथ। नेक्स्ट, द अबाइसिस ऑफ देयर स्टेम्स आर अट्रैक्टेड बाय द लाइट, ये तो नहीं हो सकता हमारा, ये भी ऑप्शन गया। नेक्स्ट, सम ऑक्सिन अक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड टू इंड्यूस ग्रेटर सेल इलोंगेशन ऑन दैट साइड, ये डायरेक्टली आंसर है कि हमारा यही होता है कि लाइट एक साइड से आती है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा वो शेडेड साइड के साथ। आंसर नंबर क्या आएगा हमारा? थ्री आंसर नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने राइट ऑप्शन बताना है इसके अंदर से कौन सा होगा। फर्स्ट, इन लाइट हॉर्मोन ऑक्सीजन हेल्प्स इन द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर इन द प्लांट्स। प्लांट हॉर्मोन्स जिब्रेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अ स्टेम। साइटोकाइनिन इनिबिट सेल डिवीजन, डायरेक्टली हो गया, ये इनिबिट नहीं करता जबकि ये प्रोमोट करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड प्रोमोट ग्रोथ इन प्लांट्स, प्रोमोट नहीं करता जबकि ये नेगेटिव इंपैक्ट के साथ रहता है। तो ये भी आंसर क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। हमने ऑप्शन बताना था राइट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया? ए एंड बी आंसर आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए एंड बी में फर्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन प्लांट्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज, कौन सी सेल ऑर्गेनलीज के अंदर आपसे पूछा है डीएनए प्रेजेंट होगा। देखिए, डायरेक्टली था कि सेल ऑर्गेनलीज बतानी है, अकेला न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे। अगर हम ऑप्शंस में से निकाल के चलेंगे हमारा आंसर क्या बन रहा है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों सेल ऑर्गेनलीज के पास क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच्ड। आपने यहाँ पे बता के चलना है रोंग मैच कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है फंगी एंड काइटिन, ये तो हम बता के चलते हैं फॉर्मेशन के लिए होती है, ये तो सही है ऑप्शन। फॉस्फोलिपिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन भी सही है। एंजाइम एंड लिपोपोलीसेकेराइड, हमारा ऑप्शन हमने रोंग आंसर बताना था, तो रोंग आंसर यहाँ से क्या हो गया? हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एटीपी न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव ही होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल।
पावर हाउस नाम से पता चल रहा है, पावर हाउस है मतलब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करके चल रहे हैं यहाँ पे, इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जबकि नहीं है तो किससे होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है स्ट्रक्चर, पोजेस क्रिस्टे विच आर एक्सटेंशन ऑफ इट्स आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन नहीं होती, जबकि ये एक्सटेंशन किसकी है, इनर मेम्ब्रेन की होती है, आर साइट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एग्जैक्टली राइट आंसर आ गया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ही बनाने का काम करता है, इज फाउंड इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि हमने पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ क्या बता के चलना है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सेल, कौन सा एक ट्रू सेल नहीं है, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, डायरेक्ट आंसर है बेटा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, चार ऑप्शन, एक्सोडर्मिस, एक्सोडर्मल सेल्स, कोर्टेक्स, एपिडर्मल सेल, डायरेक्ट आंसर है बेटा फोर्थ ऑप्शन आ रहा है हमारा, एपिडर्मल सेल्स। थैंक यू। नमस्कार, मैं गोविंद गजानी सीएलसी सीकर से, मैथ्स की फैकल्टी सीएलसी द्वारा आयोजित टेक्नो 2024 जिसका एग्जाम 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है। यह एग्जाम राजस्थान सहित 7 राज्यों में और नियर अबाउट 300 सेंटर्स जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में थे संपन्न हुआ है। उस एग्जाम में जो मैथमेटिक्स मैथ्स का जो पोर्शंस था उसका हम सॉल्यूशंस देखते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देखते हैं कि उस क्वेश्चन कैस किस तरह के क्वेश्चंस थे, किस प्रकार का उसका सॉल्यूशंस होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मसअप है, हमें इसका मसअप बताना है, क्या बताना है, मसअप। तो मसअप बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो नंबर है, एक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पहला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसका जब क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, मध्य पद का आप क्या करेंगे विभाजन करेंगे, मध्य पद का विभाजन करने पे हमारे इसके जो दो गुणनखंड आ जाएंगे। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर इसका जो गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 और हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 3। अब हमें क्या पूछा है, मसअप पूछा है, तो इनका मसअप बात करते हैं, तो मसअप मतलब इनमें जो कॉमन आएगा, कॉमन क्या आ रहा है इनके अंदर, दोनों के अंदर हमें x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो इनका मसअप क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 कौन सी आपके ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विभाजन से जुड़ी समस्या में भाजक भागफल का 8 गुणा है। ठीक है, हमें जैसे सिंपल सा पता है, जैसे मान लो ये आपका जब भाग करते हैं, ठीक है, भाग के अंदर क्या आता है, बीच में क्या आएगा आपका भाज्य, ठीक है, यहां पे क्या आएगा आपका भाजक, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा भागफल, जो आपका डिवाइड करने के बाद लास्ट में बच गया वो क्या होता है आपका शेषफल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 8 गुना है, तो हम बात कर रहे हैं भाजक क्या है, भागफल का 8 गुना है और शेषफल का क्या है 4 गुना है। आपको क्या बोल रहा है, भाजक है भागफल का 8 गुना है, किसके बारे में बात हो रही है, भाजक के बारे में, भाजक क्या है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का क्या है आपका 4 गुना है। ठीक है, अभी कह रहे हैं शेषफल का क्या है 4 गुना है। अब यहां पे बात हो रही है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं यहां पे आपका भाजक है वो भागफल का, भागफल को हमने x माना, तो आपका भाजक कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं शेषफल, शेषफल का क्या है 4 गुना, कौन भाजक, तो यहां पे हम बात करते हैं अगर आपके भाजक 8x है तो शेषफल कितना हो जाएगा 2x, तो शेषफल हमारे पास क्या आ गया 2x। अब ये कह रहा है कि शेषफल बराबर कितना है 12, तो शेषफल 12 है, मतलब हम बात करते हैं 2x का मान कितना है, 2x का मान कितना दिया 12, इससे बात करते हैं x का मान आ गया हमारे पास कितना 6। अब यहां पे हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
ठीक है, हम बात करते हैं भाज्य फाइंड करना है, ठीक है, हमारे पास जैसे हम बात करते हैं x का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो यहां पे बात करते हैं शेषफल कितना हो गया 12, तो शेषफल की जगह हमने लगा दिया 12, ठीक है। हम बात करते हैं भाजक, भाजक कितना हो गया 8x, बात करेंगे x को 8 से गुणा कर देंगे, मतलब कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भागफल, भागफल कितना है x, x का मान कितना है 6 कर दिया, 48 को 6 से गुणा करेंगे, 48 × 6 कितना होता है, 48 को 6 से गुणा करने पे हमें मिल गया कितना हो जाएगा आपका 8 4 288, और उसमें 12 ऐड कर देंगे तो 12 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 300, तो 300 हमारा क्या होगा बाजी होगा, तो 300 में ऑप्शन कौन सा मिल रहा है थर्ड ऑप्शन, तो 300 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि 2002 और के इसका जीसीडी, मतलब आपका जो मर्सर कितना दे रहा है आपको 4 मिल रहा है, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास 2002, दूसरा क्या है के, ये कह रहा है के का क्या मान हो सकता है, तो 2002 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 को क्या करेंगे 1001 से गुणा करेंगे, मान लो एक बार हमने 1001 ही छोड़ दिया, 1001 के हमने गुणनखंड नहीं किए, ठीक है। तो अब हमने जब 2002 में जब 2 का भाग दिया तो 2 का भाग एक बार ही जाएगा, हमें क्या चाहिए, ये कह रहा है हमारा मर्सर कितना आना चाहिए, मर्सर आना चाहिए 4, मतलब आपके दोनों पदों में क्या आना चाहिए 2 गुण जाने चाहिए, यहां पर 2 का एक ही गुणा जा रहा है, इसमें चाहे कुछ भी माना जाए लेकिन हमारा मर्स का मान 4 नहीं होगा, क्योंकि पहले पद में हमें 4 मर्स नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये संभव नहीं है, तो के किसी भी मान के लिए संभव नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो गुणनखंड को पूछा है क्या दिया हुआ आपको, एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस एक, इसका गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 2 और लास्ट 2 इनमें जो कॉमन आ रहा है इस कॉमन को लेंगे, पहले 2 में क्या कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिया क्या बच गया एक्स प्लस एक, लास्ट 2 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, एक कॉमन लिया एक्स प्लस एक, ठीक है। अब इन दो ये अगर इन दोनों को अगर दो पद कंसिडर करते हैं, डेफिनेटली 2 अलग अलग पद हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक कॉमन लेने के बाद में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक, दूसरा पद बच जाएगा, अब ये दोनों मिला के क्या हो गया हमारा गुणनखंड हो गया, ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यहां पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4th विल बी अ करेक्ट आंसर। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है एक्स बराबर 2√2 + 7, अब बात करते हैं सबसे पहले हम एक बट एक्स का मान क्या दिया हुआ है एक्स बराबर 2√2 + √7, अब बात करते हैं 1/x का मान निकाल लेते हैं, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/2√2 + 7, ठीक है प्लस रूट सात, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका हर है अपरिमेय है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आपका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर से परिमेय गुणांक से गुणा करेंगे, तो इसका परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा 2√2 − √7, इससे हमें क्या करना पड़ेगा अंश और हर को गुणा करना पड़ेगा 2√2 − √7, जब अंश को गुणा करेंगे अंश में क्या है हमारा एक है, एक को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 − √7, आपका हर में क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला लग जाएगा a − b × a + b, क्या होता है a² − b² 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, 8 − 7 कितना होता है 1 होता है, 1 हो गया। अब ये कह रहा है x + 1/x, तो x + 1/x इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2√2 + √7, ठीक है ये तो एक्स का मान है और 1/x का मान कितना आ गया 2√2 − √7, ठीक है यहां पे क्या हो गया √7 से √7 कट गया और आगे क्या दिया हुआ है इसके आगे गुणा में दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 और लगा दिया, ठीक है तो हमारे पास
हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स का मान, ठीक है, 1/2 गुणा 2√2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा 4√2, 2 से 4 कट गया 2 बार, कितना आया 2√2, वो आपका फाइनल आंसर होगा। 2√2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 2x बराबर 45, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान दिया हुआ है आपको 45। अब ये बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 13 का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे देखते हैं, यहां पे कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या किया, प्लस किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, उसको गुणा करेंगे किससे, 2x से, फिर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ये तो हमारा ये जो पहले तीन पद थे वो हो गया, माइनस का क्या दिया हुआ है, माइनस का 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 13। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान कितना दिया हुआ है 45, तो 45 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 13, और 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, उसमें से क्या करेंगे 13 माइनस करने पे कितना आ जाएगा 2012, वो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर 4 3 विल बी करेक्ट आंसर। हम यहां पे बात करते हैं यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा, आपको क्या दिया हुआ है 2x प्लस ky बराबर 7 और 2kx प्लस 3ky बराबर 20, आपको क्या बोल रहे हैं कोई हल नहीं है, तो हमें पता है कोई हल नहीं है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये रिलेशन रहेगा, a1 की जगह क्या आ जाएगा 2 और a2 की जगह क्या आ जाएगा 2k, b1 की जगह क्या आ जाएगा k और b2 की जगह क्या आ जाएगा 3k, C1 की बात करेंगे नॉट इक्वल्स टू C1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 7 और C2 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 20। हमें आंसर दे रहा है, आपको ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं हो रही है, मतलब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बात करेंगे। यहां पे देखो K से K कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K इक्वल्स टू 6, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी K इक्वल्स टू 3, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 81 और 81x - y = 3। हम यहां पे बात करते हैं क्या दिया हुआ है 3x + y = 81 को क्या बोलेंगे 3⁴, यहां से क्या आ जाएगा x + y का मान कितना आ जाएगा 4, ये पहली समीकरण बन गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या हो गया आपको दिया हुआ है 81 को क्या बोलेंगे 3⁴ और उसकी घात क्या दी हुई है x - y बराबर क्या हो जाएगा 3, यहां से हम बात करेंगे दोनों की तुलना करेंगे, तुलना करने पे क्या हो जाएगा 4x - 4y बराबर, इसे 3 की घात क्या हो गई 1, ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, पहले क्या करते हैं हम जो आपका मेथड लगाते हैं यहां पे समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, तो आपका एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स या वाई दोनों के क्या करेंगे गुणांक सेम करेंगे, दोनों के गुणांक सेम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 से जोड़ देंगे तो क्या हो गया 4 से गुणा की तो क्या हो गया 4x + 4y = 16। यहां पे क्या हो जाएगा 4x - 4y = क्या है, यहां पे 1 है तो ये जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या हो जाएगा वाई से वाई कट गया, यहां पे क्या आ गया 8x = कितना आ जाएगा 17, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 17/8, तो 17/8 कितना मान होता है एक्स का मान आ जाएगा 2 / 1/8।
तो x का मान 2 से 1/8 कहां पे मिल रहा है, ये आ गया, ठीक है। और अगर बात करते हैं y का मान हम रखेंगे तो x का मान कितना है आपका 17/8, उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं पे भी रख देते हैं। x का मान हमने किया समीकरण, मान लो हमारे पास पहली है, पहली में रख दिया, पहली में रख दिया, तो x का मान कितना है 17/8 प्लस y बराबर कितना हो गया 4, तो y का मान कितना आ गया 4 - 17/8, एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 32 - 17, 32 में से 17 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 32 में 17 माइनस करने पे आपका 15/8, तो y का मान कितना हो गया 15 में जब 8 का भाग देंगे 1 - 7/8, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4th आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या दिया हुआ, यदि 4a - 18b + 13c = 0, 3a + 3b - 4c = 0, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो a b c का, a b या c में से किसी भी तीनों का क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म में मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, पहली समीकरण क्या दी हुई है 4a - 18b + 13c = 0। अब दूसरी समीकरण में हमें पता चल रहा है ये 3 भी है ना, 3 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो क्या करते हैं समीकरण 2 को हमने, इस पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18a, 6 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 18b, 6 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 24c = 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 22a, इधर आ जाएगा माइनस का 11c = 0, यहां से आ जाएगा a का मान आ जाएगा हमारा c/2। अब a का जो मान है c/2, ये समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में, समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी रख देंगे, पहली में मान लो रखते हैं, तो 3 a का मान क्या है c/2, और फिर क्या करेंगे 3b, तो 3b - 4c, तो 4c बराबर क्या करेंगे 0, 0 कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा 3c + 6b - 8c = 0। बट्टे में जो 2 था उसको उसका लस लेके हमने क्या कर दिया, उसको वजह गुणा कर दी 0 के साथ में, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 6b बराबर क्या हो गया 5c, ठीक है। तो यहां पे आपका b का भी क्या गया, c के साथ में रिलेशन आ गया, b का रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, अगर यहां पे हम बात करते हैं तो 6b/5 बराबर क्या आ गया c आ गया, तो c का मान क्या आ गया 6b/5, और यहां से अगर बात करते हैं तो c का मान क्या आ गया 2a = c हो गया, ठीक है। तो c का मान 1 हो गया 2a, c का मान हो गया 1 5b/5 आपका 6b/5, और एक c का मान c है ही, तो इन तीनों मान को बराबर कर दो, तो 2a किसके बराबर है 5 6b/5 बराबर किसके हैं c के, ठीक है। हमें इसका अनुपात निकालना है, तो इन सारी संख्याओं को हमें बट्टे में करना पड़ेगा, इसके बट्टे में, ठीक है। तो इसके बट्टे में a के बट्टे में क्या आ जाएगा, a के बट्टे में आ जाएगा 1/2, b के बट्टे में क्या आ जाएगा, b के बट्टे में आ जाएगा आपका 5/6, और c के बट्टे में क्या आ जाएगा, c के बट्टे में एक रह गया। तो इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, लस लेंगे, तो 2, 6 और 1 का लस क्या होगा आपका 6 आएगा, तो 6 को सारों से गुणा करवा दी, 6 से गुणा करवाई इसको, 6 से इसको भी गुणा करवाई, और 6 से इसको भी गुणा करवाई, तो ये आपका 6 से कट गया 3 बार, तो क्या रह गया a/3, ये 6 का 6 से कट गया तो b/5 क्या रह गया 5, और ये आपका 6 का 6 तो c/6, यहां से हमारे पास a अनुपात b अनुपात c आ गया, a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 3:5:6, ये कौन सा ऑप्शन है 3:5:6, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपको बोल रहा है इसमें स्तंभों का मिलान करो, ठीक है। पहला दिया हुआ है 2x + 5y = 10, 3x - 4y = 7। अब देखो हमें पता चल रहा है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा आपका अद्वितीय हल, ठीक है।
ये आपके यूनिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, A1 बटे A2 कितना मिल रहा है, 1/3, B1 बटे B2 कितना मिल रहा है, 1/3, C1 बटे C2 आपका 1/2, ये बराबर नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होगा। और A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 1/2, C1 बटे C2 1/2, इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। मतलब पहले का एक कहां पे है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, दूसरे का क्या मिल रहा है, दूसरे का तीन कौन से में, आपका थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अब यहां पे बोल रहा है निम्न में से किस समीकरण निकाय के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक क्या होता है, हमें काल्पनिक के केस में पता है क्या होता है, B² - 4AC शुड बी लेस देन फ्रॉम 0, ठीक है। तो B² - 4AC का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कहां पे देखें, यहां पे बात करते हैं, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ए और सी को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, ये मान क्या हो रहा है 0 से छोटा तो आ ही नहीं रहा है, 0 से छोटा नहीं आ रहा, तो ये गलत है आपका, मतलब ये काल्पनिक नहीं होगा, ये वास्तविक है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहां पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 × -1, 3 × -1 कितना होता है -3, -3 को 4 से गुणा किया क्या हो जाएगा प्लस का 12 करेंगे, ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका वास्तविक है। तीसरा जो ऑप्शन है, पहला और तीसरा सेम ऑप्शन है, लेकिन दोनों के दोनों आपके वास्तविक है, तब सेम ऑप्शन का कोई विशेष बेनिफिट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन बात करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 1² - 4 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, ये 0 से 4 × 1 × 1 ये आपका 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। x का मान जिसके लिए समीकरण, जो आपके समीकरण है वो आपको यहां पे बोल रहा है x का मान क्या होना चाहिए, 2 और 4 नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली अगर 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 होगा तो 0 हो जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों का लसा लेंगे, दोनों का लसा क्या आ जाएगा x - 2 और x - 4, उसको गुणा करेंगे x - 1 को x - 4 से गुणा करवाने पर क्या हो जाएगा x² - 5x + 4, इसको गुणा करवाएंगे क्या आ जाएगा x² - 5x + 6, इसको क्या करेंगे नॉर्मल आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने पे कितना हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब ये x² कितना हो गया 2x² -5x - 5x कितना हो गया माइनस का आपका 10x, और 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, बट्टे में क्या हो जाएगा इसको गुणा करेंगे तो x² - 6x + 8 बराबर 10/3, ठीक है। इनसे 2 कॉमन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 6x², फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 30x + 30 बराबर में क्या हो जाएगा 10x² - 60x + 80, ठीक है। अब यहां पे इसको ट्रांसपोर्टेशन करने पे क्या हो जाएगा 4x², ठीक है, और ये माइनस का 30x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 30x उधर ट्रांसपोर्टेशन होके क्या हो जाएगा प्लस का 50 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा 2x² - 15x + 25 बराबर 0। अब दो संख्या ऐसी बताओ जिनको गुणा करने पे क्या आ रहा है 50 आ रहा है, और जोड़ने पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो क्या हो गया 10 और 5, तो 2x² - 10x - 5x + 25 बराबर 0। फर्स्ट टू और लास्ट टू कॉमन लिया, इसमें 2x कॉमन आ गया, क्या आया x - 5, इसमें 5 कॉमन आया, क्या आया x - 5 बराबर 0। तो x का मान क्या हो गया, x का एक तो मान हो जाएगा 5, और x का एक मान क्या हो जाएगा 5/2, मतलब 2 से 1/2, तो ये ऑप्शंस कहां पे मिल रहा है 5/2 और 5, ये ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ये आपका क्या कंडीशंस लग रही है आपको, यहां पे बात करते हैं b का मान क्या है -4 - 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 - 4k, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है k के किस मान के लिए, क्या डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का बात है जब ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, हम इसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो 16 शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम 4k,
यहां से क्या आ जाएगा, 4 शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम के, 4 आपके के से बड़ा होना चाहिए, 4 आपका के से बड़ा फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। यहां पे आपको बोलना चाह रहा है कि जिसके मूल समीकरण के मूल से आपको क्या मिल रहे हैं, दुगने मिल रहे हैं। अगर मूल अगर दुगने होंगे तो उनका जो हम बात करेंगे उनके अगर मूल अगर दुगने होंगे तो उनका योगफल जो होगा वो योगफल क्या होना चाहिए, वो भी दुगना होगा, और उनका जो गुणनफल है वो गुणनफल क्या होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। यहाँ पे इनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं, तो योगफल इसका कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, कितना आ गया 5/2 और अल्फा बीटा करेंगे गुणनफल कितना हो जाएगा 2/2 कितना होता है 1। हम बात करते हैं आपका दुगना किस में आ रहा है, योगफल। यहां पे अगर योगफल बात करेंगे कितना आ रहा है आपका 5/4, ठीक है, ये दुगना तो है ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सेकंड में बात करते हैं यहां पे योगफल कितना आ रहा है, यहां पे योगफल आ रहा है हमारे पास 5, डेफिनेटली 5/2 का दुगना है। इनका जो गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा कितना आ रहा है 4, मतलब इसका क्या हो रहा है 4 गुना, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर। एक समांतर श्रेणी में आरंभ और अंतिम से समान दूरी वाले पदों का योगफल, ठीक है, आरंभ और अंतिम से समान दूरी वाले पदों का योगफल बराबर होता है, किसके बराबर होगा, प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर होगा। सीधा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या दिया हुआ, एन पी 1/2 एन एन माइनस वन क्यू, ठीक है, हमें पता है Sn का सूत्र, Sn बराबर क्या होता है n अपॉन 2, फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है। अब यहां पे हमारे पास Sn का मान, Sn बराबर क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ, देखो दोनों में n दिख रहा है तो हमें पहले क्या लाना, n/2 लेके आना है, तो n/2 लेके आ गए, यहां से n/2 लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस ये क्या हो गया n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा q, ठीक है। तो अब इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो n/2 की जगह n/2 आ रहा है यहां पे आपका, उसके बाद में अब जब तुलना करने पे हमें n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 मिल रहा है, तो d की जगह क्या मिल रहा है हमें q मिल रहा है, तो आपको क्या पूछा है, तो श्रेणी का सार्वांतर क्या होगा, श्रेणी का सार्वांतर क्या हो जाएगा q। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, s2n इक्वल्स टू 3sn, S2n, Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो सूत्र लगाएंगे, n की बात हो रही है वहां पे अब क्या करेंगे 2n लगा देंगे, तो क्या हो गया 2n अपॉन 2, 2a, n की फिर बात आएगी तो 2n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का सूत्र हो गया, S2n का सूत्र बन गया, इक्वल टू 3, Sn लगाना है तो n/2, फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n/2 से n/2 कट गया, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 4a इक्वल्स टू प्लस क्या हो गया 4nd माइनस 2d इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया 6a क्या हो गया 3nd माइनस 3d। ट्रांसपोर्टेशन किया एक साइड में, एक साइड में ट्रांसपोर्टेशन करने पे 4a को उधर ट्रांसपोर्टेशन किया, बाकी सारे टर्म्स इधर आ गए, तो क्या हो गया 6a माइनस 4a इक्वल्स टू कितना हो गया 4nd माइनस 3nd माइनस 2d प्लस 3d इक्वल्स टू कितना हो गया nd प्लस d। ये किसका मान है, ये हमारा मान है 6a माइनस 4a कितना होगा, होता है 2a, 2a का मान आ गया क्या nd प्लस d। अब ये कह रहा है क्या करो, s3n अपॉन sn का मान निकाल लो, s3n अपॉन sn का मान, s3n क्या हो जाएगा 3n अपॉन 2, फिर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d अपॉन में क्या हो जाएगा n अपॉन 2, फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहां पे फिर n/2 से n/2 कट गया, ये 2a की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, अब यहां पे क्या हो गया 2a की वैल्यू हम बात करते हैं, 2a की वैल्यू यहां से 2a की वैल्यू n d
प्लस डी, ठीक है, बाहर थ्री पढ़ा है तो थ्री का थ्री रह गया एन डी प्लस डी, और यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया थ्री एन डी माइनस डी। अपॉन में देखो हम बात करते हैं, अपॉन में आपको दिया हुआ है, अपॉन में आ गया एन डी प्लस एन डी माइनस डी। देखो माइनस डी से प्लस डी कट गया, ठीक है, यहां से क्या हो गया एन डी प्लस थ्री एन डी, कितना हो जाएगा फोर एन डी, तो थ्री इंटू फोर एन डी अपॉन डी से डी कट गया, एन डी प्लस एन डी क्या हो गया टू एन डी, डी से डी कट गया एन से एन कट गया, टू की टेबल से गया टू टाइम, कितना आ गया सिक्स, तो सिक्स विल बी करेक्ट आंसर, तो सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 18वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये समीकरण है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में, ये मूल आपको आपको क्यूबिक इक्वेशंस दे दी और उसके जो मूल है ये बोल रहा है आपके श्रेणी में है और आपको बोल रहा है कि इनका सार्वांतर क्या हो सकता है। तो अगर बात करते हैं नॉर्मली, अगर मान लो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपके त्रिघात समीकरण है, तो तीन हमारे क्या होंगे शून्यंक होंगे, तीन शून्यंक होंगे तो तीन आपके क्या होंगे आपके मूल होंगे, तीन मूल होंगे। तो अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 12। फिर बात करेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। फिर बात करते हैं अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 39। अब तीन संख्याएं ऐसी जिनको प्लस करने पे कितना आता है 12 आता है, और तीन संख्याएं ऐसी जिनको गुणा करने पे कितना आता है 28 आता है, तो हम बात करते हैं और वो सार्वंतर के अंदर भी होनी चाहिए, सार्वंतर के अंदर होनी चाहिए, और तीन संख्याओं की अगर बात करेंगे तो हमारी संख्या क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो संख्या हमारे जैसे मान लो एक हो गई, दूसरी क्या हो गई चार हो गई, तीसरी क्या हो गई सात, तीनों के अंदर क्या हो रहा है इन तीनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ने पे कितना हो गया 12 हो गया, तीनों को गुणा करने पे कितना हो गया आपका 28 हो गया, दो दो को गुणा करेंगे इन दोनों को गुणा किया 8, इन दोनों को गुणा किया 28, इन फर्स्ट और थर्ड को गुणा किया 7, तीनों को प्लस करेंगे तो आपका 28 और 4 32, 32 7 39 हो रहा है, मतलब क्या हो गया तीन तीन का गैप। अगर मान लो बात करेंगे एक चार सात है तो प्लस तीन हो गया, अगर सात चार एक है तो माइनस तीन हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ करेक्ट आंसर। L अनुपात L समांतर है N के, तो ABC का मान कितना होगा, ABC का मान क्या होगा, देखो ये आपका 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री, क्यों संगत कोण हो गया, तो ये संगत कोण है तो ये आपका 80 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास इस कोण का मान आ जाएगा 100 डिग्री, ये 100 हो गया और ये 45 हो गया, तो इसका जो मान है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 से अगर बात करते हैं तो ये कोण कितना आ जाना चाहिए हमारे पास 35 डिग्री, तो 35 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। आपको दिया हुआ है ईसी, जो ईसी रेखा है वो क्या है आपके एबी के समांतर रेखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला एंगल बीडीओ, बीडीओ कितना दिया 20 डिग्री, ओ बी डी पूछ रहा है, ये कह रहा है ये 70 है तो ये भी कितना हो गया 70 डिग्री, और ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, सेम क्वेश्चन हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 110 और 20 को ऐड करेंगे 130, 180 में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर। दिए गए चित्र में P और Q क्या है समांतर रेखा है, P रेखा ये रेखा हो गई, Q ये रेखा हो गई, दोनों क्या है समांतर रेखा है, तो आपको जिनके लिए L और M क्या है समांतर रेखा, L और M भी क्या है पैरेलल रेखा है। अब ये कह रहे एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है x माइनस 5, ये क्या दिया हुआ है d दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको x प्लस 3/5, अगर ये आपके दोनों समांतर है तो ये और आप d का मान कितना हो जाएगा x बट्टे 3+5, ये हो जाएगा, और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आपके जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते, तो ये दोनों आपके एक आसन कोण हो गए, और समांतर रेखाओं के जो आसन कोण है वो क्या होता है संपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, मतलब x माइनस 5 उसमें जोड़ेंगे किसको x बट्टे 3+5 को, तो कितना आना चाहिए हमारे पास
180 आना चाहिए। तो 180 का देख लेते हैं कितना हो गया, एलसीएम ले लिया 3, कितना हो गया 3x माइनस 15 प्लस एक्स प्लस 15 बराबर 180। यहां पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात अगर बात करते हैं तो आपका माइनस 15 से प्लस 15 कट गया, 3x और x क्या हो गया 4x, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 540। यहां से x का मान कितना हो जाएगा 135 डिग्री, x का मान कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे कह रहा है दो कॉलम दिए हुए, दो स्तंभ दिए हुए, इनका मिलान करना है। तो यहां पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है देखो c का मान बोल रहा है, यहां पे x का मान पूछ रहा है, ठीक है x का मान पूछ रहा है। तो यहां पे बोल रहा है ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, इसको उठा के क्या करेंगे हम, सीधा सीधा पहुंचा के यहां पे पहुंचा दिया। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये x हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 50, तो 50 प्लस 20 प्लस x बराबर कितना 180। तो यहां से x का मान कितना आना चाहिए 110 डिग्री। तो x का ये मान 110 डिग्री कहां पे मिल रहा है, a का ऑप्शन थर्ड सेकंड में, तो a ऑप्शन सेकंड कहां पे हो गए, इन दोनों में। फिर आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं, ये आपको दिया हुआ है ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये 60 डिग्री है, तो एकांतर कोण से भी कितना हो गया 60, ये 60 है और ये 45 है, तो x प्लस 60 प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 45 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो x का मान 75 डिग्री कौन से में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपका फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी और कोण सी का मान बराबर है, ये कितना है 55, तो ये भी कितना हो गया 55, ठीक है, ये 55 है ये 55 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। फिर बात करते हैं कोण डी का मान, ये आपका 55 है तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री, ये बोल रहे कोण डी का मान कितना है 25 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा ए का मान 30 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर, ये दोनों आपके 55 है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई बराबर, मतलब हमारे पास आ गया ए बी बराबर क्या हो गया ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, और ए बी और ए सी दोनों बराबर है, लेकिन जो रेखा कौन सी है बी सी, बी सी का मान क्या होगा इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। ए बी और ए सी का मान, ए बी और ए सी दोनों बराबर है लेकिन बी सी का मान क्या होगा इससे बड़ा होगा, ये एक पहला रिलेशन हो गया, मतलब बीसी शुड बी लेस देन, बीसी लेस देन होना चाहिए, तो बीसी किससे एसी से, ये नहीं चलेगा। यहां पे क्या बोल रहा है बीसी एसी से लेस देन होना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। यहां पे क्या बोल रहा है बीसी शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम एसी, बीसी एसी से बड़ा होना चाहिए, हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। बीसी शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम एसी, ये भी हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में हम बात करते हैं, तो अब बात करते हैं यहां पे इस त्रिभुज में बात करते हैं, तो यहां पे 125 डिग्री है, मतलब क्या हो जाएगा सेकंड त्रिभुज में एडी बड़ा है, एडी सबसे बड़ा हो जाएगा, एडी के बाद में 35 डिग्री के सामने क्या आ गया सीडी, एडी से बड़ा क्या हो गया सीडी, और सीडी से सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारे एसी, सीडी क्या हो जाएगी एसी से सबसे छोटी भुजा हमारी क्या होगी एसी, क्योंकि एसी के सामने वाला कोण क्या है सबसे छोटा है, मतलब एसी शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम सीडी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर इन दी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर है, क्यों बीसी क्या एसी से बड़ा है, बीसी हमारा एसी से बड़ा है, फिर क्या बोल रहे एसी सीडी से छोटा है, एसी क्या हो गया सीडी से छोटा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अ करेक्ट आंसर। यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं एक और रूट दो है तो निम्नलिखित में से शेष भुजा की लंबाई हो सकती है, ठीक है, एक भुजा एक है दूसरी भुजा क्या है रूट दो है, तो अब देखो दो कंडीशंस है, एक तो देख सिंपल सी बात करते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया,
और एक हमारे एसएम। ये जो बची हुई भुजा या तो क्या हो सकती है, ये रूट दो हमारा क्या हो सकता है, एक विकर्ण हो सकता है, या फिर एक रूट दो क्या हो सकता है, हमारी एक भुजा हो सकती है। अगर रूट दो हमारी भुजा है, एक रूट दो है, तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, रूट तीन। अगर रूट दो हमारा क्या है, सॉरी कर्ण है, तो ये दोनों भुजाएं क्या आ जाएगी, एक एक। तो ये भुजा एक संभव है, डेफिनेटली संभव है। भुजा आपकी रूट तीन संभव है, तो डेफिनेटली रूट तीन संभव है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, हम त्रिभुज बना देते हैं एबीसी, ए बी और सी। दूसरा दिया हुआ एफडीई, त्रिभुज हम बना देते हैं एफडीई, ये हो गया एफ, ये हो गया डी और ये ई। ये बोल रहा है कौन ए, कौन ए कितना है 80 डिग्री, चलो 80 डिग्री हो गया। एबी, एबी कितना है 5 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर हो गया। आपको बोल रहा है कौन बी कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, हम डायरेक्टली लगा देते हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डी एफ आपका 5 सेंटीमीटर, डी एफ आपका 5 हो गई होगा, ये तो एकदम कन्फर्म बात है। आपको बोल रहा है कौन एफ आपका 60 डिग्री, कौन एफ आपका 60 डिग्री नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी एफ आपको 5 सेंटीमीटर चलेगा, और कौन ई हमारा 60 डिग्री, कौन ई डेफिनेटली 60 डिग्री होगा, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। डी ई बराबर, डी की बात ही नहीं कर सकते, डी का ये साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हो तो इसकी भी बात नहीं होगी। आपको बोल रहा है डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट नहीं दिया हुआ तो हम उस भुजा के बारे में बात नहीं कर सकते, जिस भुजा का मेजरमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग बात होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी ए करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्लानिया, आज हम मैट के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन ले रहे हैं जो सीएलसी टेक्नो 24 था उसमें। तो चलो 26 नंबर जो क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सार्थक क्रम में रखिए, मतलब जो भी हमें ये विकल्प दिए हुए हैं इन विकल्पों को हमें एक सुव्यवस्थित क्रम देना होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, धागा, कपास, मिट्टी, कपड़ा, चिथड़ा और पादप, तो सबसे पहले हो गया मिट्टी, मिट्टी के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास पादप, और पादप के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पादप से क्या बनेगा हमारे पास कपास, कपास से क्या बनेगा हम लोगों के पास धागा, और धागा से क्या बन जाएगा कपड़ा, और कपड़े से लास्ट में क्या हो जाएगा चिथड़ा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी एफ बी ई डी ई, सी एफ बी ई डी ई, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास कि इनको भी सार्थक क्रम में ही रखना है। पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना में सभी उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म पहनना, कक्षा में पहुंचना। तो सबसे पहले हो जाएगा यूनिफॉर्म पहनना, यूनिफॉर्म पहनकर वो बच्चा बस पकड़ेगा, बस पकड़कर वो प्रार्थना में उपस्थित दर्ज करवाएगा, उपस्थित होने के बाद वो क्लास में पहुंचेगा, और क्लास में पहुंचने के बाद में वो पाठ्य पुस्तक ओपन कर लेगा। डी सी बी ई ए, डी सी बी ई ए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित उसी तरीके का क्वेश्चन वापिस है। सबसे पहले मानसून है, मानसून से बाद में हो जाएगा बादल, बादल से क्या हो जाएगी वर्षा, वर्षा से क्या हो जाएगी नदी बन जाएगी, नदी कहाँ जाएगी महासागर में। ई सी बी डी ए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, उसके सामने एक दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। तो हमें पता है कि अगर मंच जिसका मुंह उत्तर की ओर है और उसके सामने दर्शक बैठे हैं, तो मतलब दर्शकों का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। रानी सुनीता के बाईं ओर है, जो सुनीता है उस सुनीता के बाईं ओर कौन से है, रानी, और वो भी कितने स्थान, पांचवें स्थान। तो सुनीता के बायां मतलब इस साइड में 1 2 3 4 5, यहां कौन बैठेगी, रानी। सुनीता जो निशांत के दाईं ओर आठवां है, तो सुनीता जो है वो निशांत के दाईं ओर आठवीं है, तो सुनीता यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये लो निशांत, यही तो है ना हमारे पास। तो निशांत के दाईं ओर आठवां, तो निशांत के दाईं ओर आठवां मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये गलत कैसे रह रहा है भाई, हाँ सॉरी, इसके अंदर हमें जो मिल रहा था वो ये रह रहा है कि ये कितने नंबर पे बैठा है, जो सुनीता जो हमारी पोजीशन बन के है वो कौन से नंबर पे है, सुनीता के बाएं पांचवें स्थान पे। तो सुनीता के बाएं अगर पांचवें स्थान पे देखो, सुनीता के बाएं पांचवें स्थान ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके डियर, सुनीता जो निशांत के दाईं ओर आठवीं है, तो निशांत के दाईं ओर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और ये एट। ओके, अब सेट हो गया ना। रानी और निशांत के बीच कितने बैठे हैं, रानी और निशांत के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, दो बच्चे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। एक
यदि 35 बच्चों की पंक्ति में एम दाएं सिरे से, हमें इन बच्चों के मुख की दिशा नहीं पता तो हम लोग किधर भी कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने इनका उत्तर की ओर कंसिडर किया जिसमें से एम का दाएं से कौन से स्थान पर बन रहे हैं, 15वें स्थान पर, तथा एम तथा आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं, एम तथा आर के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं, तो एम यहाँ है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ भी बिठा सकूँ, क्योंकि 15 तो ये है, 10 25 25 और एक 26 और टोटल बच्चे मेरे पास 35, मतलब ऐसे कंडीशन बैठ सकती है। एक कंडीशन ऐसी है कि एम का इधर से 15th नंबर है, मतलब इसके इधर कितनी सीटें हैं मेरे पास, 14 सीटें, तो उनमें से मैं 10 सीटें लेके और आर को यहाँ बैठा दूँ तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरीके से हमें पता है कि हमारे दो उत्तर रहेंगे, और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम लोग कह देंगे सूचना अपर्याप्त। अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, जो अमित है उसकी आयु जो है वो सुमित की आयु के बराबर है, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर, इसको मैं एडिट ही कर देता हूं ना, ये गलत लिखा गया सुमित भाई, तो ये हम लोग लिख लेते हैं सुमित आयु के बराबर, क्योंकि वो जुड़वा है, रिचा सुमित से छोटी है, जो रिचा है वो सुमित से छोटी है, रिचा ज्योत्सना से छोटी है, रिचा जो है वो ज्योत्सना से भी छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है, रिचा है वो किससे बड़ी है, सौरभ से बड़ी है, सुमित ज्योत्सना से छोटा है, सुमित जो है वो ज्योत्सना है उसे छोटा है, तो ज्योत्सना यहां आ जाएगी भाई। अब हमें क्या पूछा है तो बताइए निम्न में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। छह व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर, तीन व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार दो पंक्तियों में बैठे हैं, क्यू पंक्ति किसी अंत में नहीं है, मतलब क्यू लास्ट में नहीं है, ऐसा ही तो है ना, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो आर का बायां दूसरा पहला दूसरा पी, यहां तीन तीन प्रत्येक है तो दूसरी पंक्ति मैंने ये ले ली भाई। ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ जो है वो किसका पड़ोसी है, क्यू का पड़ोसी है, और पी के विकर्ण है, मतलब ओ है वो पी के विकर्ण द विपरीत बैठा, तो क्यू यहां आ जाएगा, एन आर का पड़ोसी है तो एन यहां हो जाएगा, एम हमारे पास बचा हुआ यहाँ, क्वेश्चन में उपयुक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन होगा, तो एन के सम्मुख कौन होगा, क्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, मतलब अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पे बैठे हैं बच्चे, ये लो हमारे पास अष्टभुज स्थान बन गया। महिमा तिरछे तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, महिमा जो है वो अगर मैं यहां से सबसे पहले महिमा को बिठा लेता हूं, तो मैंने यहां महिमा को बिठाया, तो महिमा के तिरछे तिरछे रूप में कौन बैठी है, कौन बैठे हैं, राम। राम सुषमा के दाईं तरफ है, राम है वो सुषमा के दाईं तरफ, तो सुषमा यहां बैठेगी हमारे पास, सुषमा के दाईं तरफ राम हो गया। रवि सुषमा के बगल में बैठा है, रवि है वो किसके बगल में बैठा है, सुषमा के बगल में बैठा है, और गिरधर के सामने, और गिरधर के क्या है ये, गिरधर के सामने, गिरधर के सामने तो सॉरी गिरधर यहां आएगा ना, इसका सामने ये बनेगा, गिरधर के सामने है, गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है, तो गिरधर है वो चंद्रा के बाई तरफ, तो चंद्रा का बाएं ये हो गया। सावित्री महिमा के दाई तरफ नहीं है, सावित्री है वो महिमा के दाई तरफ, यहां सावित्री नहीं है तो हमारे पास एक ही जगह बैठी सावित्री के लिए, तो वो लो सावित्री के लिए ये जगह लो, सावित्री महिमा की तरफ, लेकिन शालिनी के सामने है तो शालिनी इस जगह पे आ जाएगी, ये लो शालिनी, शालिनी के दाई तरफ कौन बैठा है, शालिनी के दाई तरफ बैठा है रवि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट। छह छात्र ए बी सी डी ई तथा एफ मैदान में बैठे हैं, ए और बी नेहरू पार्क नेहरू हाउस से हैं, जो ए बी सी डी ई और एफ, ये अगर मैंने इनकी टेबल में बनाऊं भाई यहां से, तो हम लोग पजल है तो इजी सॉल्व करने के लिए हम लोग नेहरू हाउस, तो नेहरू हाउस से ए और बी नेहरू हाउस से, ठीक है, जबकि शेष किससे हैं, गांधी हाउस से हैं, ये सबके सब शेष किससे हैं, गांधी हाउस से है, ओके। नेक्स्ट डी एंड एफ लंबे हैं, डी और एफ क्या हैं, ये लंबे, लंबे की कंडीशन डी एंड एफ बोथ आर लॉन्ग टॉल, जबकि अन्य छात्र बौने हैं,
तो ये क्या हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे ये वाले, क्लियर। ए सी डी चश्मा पहने हुए, तो सबसे पहले भाई चश्मा किस किसने पहन रखा है, ए सी और डी ने, जबकि अन्य नहीं पहने। कौन से दो छात्र जो चश्मा नहीं पहने, अब सबसे पहले चश्मा किस किसने पहन नहीं पहन रखा, बी ने नहीं पहन रखा, ए ने नहीं पहन रखा और एफ ने नहीं पहन रखा, जो छोटे हैं छोटे। अब हमारे पास एफ तो बड़ा है ना, तो ये कौन हो जाएगा, बी एंड ई, बी एंड ई, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए, तो शब्द सादृश्यता का क्वेश्चन है, तो सादृश्यता को सोल्व करने के लिए बी का विपरीत कौन हो जाएगा, जेड, जेड का विपरीत ए, बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी, तो सी का विपरीत कौन हो जाएगा, एक्स, एक्स का विपरीत सी, डी का विपरीत डब्ल्यू और डब्ल्यू का विपरीत डी, आंसर हो जाएगा एक्स सी डब्ल्यू डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जो मैं हूं यहां से उस मेरे से कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, कौन, मेरा भाई, ओके। जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह है और 3 दिन बड़ी है, 75 सप्ताह और 3 दिन बड़ी है, कौन, मेरी बहन। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, ये किस दिन पैदा हुई भाई, मंगलवार को पैदा हुई, तो मेरा जन्म किस वार को हुआ, तो मेरा जन्म, सबसे पहले दो व्यक्तियों के बीच में अगर सप्ताहों का अंतराल होता है तो जन्म वार समान रहेगा, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो इन तीन के कारण आएगा, तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यहां क्या हो जाएगा भाई, शुक्रवार हो जाएगा। अब मैं यहां से 562 दिन है तो इसके सप्ताह बना दिए मैंने, 7, 7, 56, 80 सप्ताह और 2 दिन बचे, इनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, शुक्रवार के बाद 2 दिन शनिवार और रविवार, मतलब मैं रविवार को पैदा हुआ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। 10 मार्च 2001 को शनिवार है, तो सबसे पहले इस तारीख का दिन निकाल लेते हैं, 10 मार्च का कोड 4, 1, 2000 का 6, 0 भाग दिया किसका, 7, शेषफल 0, शेषफल 0, ये 0 शेषफल किसका होता है, शनिवार का ही होता है, मतलब वास्तविक वार ही है हमारे पास, तो 10 मार्च का कोड है 4, 10, 2000 का 6, 4, 2, 8 भाग दिया किसका, 7 का, 7, 2, 14, 7, 3 शेषफल, शेषफल 2, 2, 2, 4, 4 पे क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, मतलब बुधवार ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित अवयव में लुप्त संख्या बताइए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई इन सब को ऐड करके डबल करोगे, इन सब को ऐड करके डबल करोगे, इन सब को ऐड करके डबल यहां करना होता है, तो सीधी सीधी बात है, इनका सबका जो सम है, इनका जो सबका सम है वो इसके हाफ के इक्वल होगा, तो किसके सम के इक्वल इसका हाफ होगा, इसका हाफ ही कर लेते हैं सबसे पहले, तो 2, 6, 6, 2, 12, शेषफल 1, 2, 8, 2, तो ये कितने होते हैं, ये हो गए 460, 460 इसमें से घटा देंगे तो 2, 2, 2, 222, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। मेरी घड़ी उस समय, इस समय 3 बजे हुए हैं, घड़ी के अंदर कितने बजे हुए हैं भाई, 3 बजे हुए, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ हमारे पास 6 है, यहाँ 9 है, 3 बज रहे हैं, तो ये लो घंटे की सुई हो जाएगी और ये लो मिनट की सुई हो जाएगी। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है, तो भाई ये वाला है तो ये पूर्व दिशा है, तो ये उत्तर दिशा ही तो होगी हमारे पास, मिनट की सुई किस दिशा में, तो उत्तर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है, तो आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तथा तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से कुछ भी हो। तो चलो सबसे पहले इसका हमें पता है कि न्याय निगम का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी तरीके से इसे वेन आरेख के आधार पर सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ पक्षी बकरियां हैं, तो कुछ पक्षी जो है वो क्या है भाई, बकरियां हैं, और कुछ बकरी घोड़े हैं, कुछ बकरी क्या है, घोड़े हैं, और कुछ घोड़े सिंह हैं, कुछ घोड़े सिंह हैं, और कुछ सिंह बाघ हैं, कुछ सिंह क्या है, बाघ हैं। अब कह रहा है कुछ बाघ बकरियां हैं, बाघ और बकरी में कोई संबंध नहीं है, कुछ बाघ बकरी नहीं है, बाघ और बकरी में संबंध नहीं है, कुछ सिंह पक्षी है, सिंह और पक्षी में संबंध नहीं है, कोई सिंह पक्षी नहीं है, कोई सिंह है और पक्षी में संबंध नहीं है, तो हम लोगों को दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम्स है, तो इन दोनों में यातो की स्थिति और इन दोनों में यातो की स्थिति, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, टेक्नो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है, मैं राकेश कुमावत, हम सॉल्व कर रहे हैं 10th फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है,
छोटा बनाता है और हमेशा सीधा बनाता है, आभासी बनाता है। ये तीनों ही प्रॉपर्टी किसकी हैं? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की हैं। वो हमेशा पीछे बनता है दर्पण से, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा। इसमें आ जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। आपसे पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो साफ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, 1/F = 1/V + 1/U। 1/F अपने को गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। V फाइंड करना है, U हमेशा नेगेटिव होता है, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। V फाइंड करना है, 1/V = आ जाएगा 1/20 + 1/10। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LCM लेकर के 1/V = 20 1+2 एंड V विल बी 20/3 = 6.67 सेंटीमीटर। ये V प्लस का आया है, इसका मतलब इमेज जो है वो किधर बनने वाली है, दर्पण के पीछे। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी है कि ध्रुव के निकट इसका सिरा इससे 30 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो इसके लिए पूछा है, जो दर्पण दे रखा है वो कैसा दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण है। यहां इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। यहां से इसने कहा है कि एक छड़ ऐसे रखी हुई है कि इसका जो एक सिरा है वो कहां रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर एक छड़ यहां पर रखी हुई है। यहां पे इसका एक सिरा जो फर्स्ट वाला है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये किस पर है, ये पॉइंट कौन सा हो गया 30 सेंटीमीटर, ये 2F। और 2F का जो इमेज बनती है वो 2F पे बनती है, और कैसी बनती है, सेम। इसका मतलब एक जो पार्ट है इसका, इसको मैं अगर ए बी मानूं और इसको सी डी लिखूं, तो ए बी और ए बी की जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी, और कहां बनेगी, 30 पर ही, 2F का 2F पे ही बनेगा। तो एक वी ए बी वाला जो पार्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो यही बनेगी, कितने पर, 30 सेंटीमीटर पर। दूसरा जो इसका पार्ट है उसके लिए हम ये फाइंड करें कि ये इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो सी डी पॉइंट है वो पोल से कितनी दूर है, ध्रुव से 35 सेंटीमीटर पर है। तो इसका मतलब इसके लिए हम दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगेगा, 1/F = 1/V + 1/U। F कितना दे रखा है, 1/15। अवतल दर्पण है इसलिए कैसा होगा, नेगेटिव। V हमें फाइंड करना है, U ऑलवेज नेगेटिव होता है, माइनस का आ जाएगा कितना, 1/35। तो LCM इधर लेकर के 1/V = आ जाएगा माइनस का 135। 1/V = -1/15 + 1/35। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/V = LCM लेकर के इसका सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 3, V आ जाएगा 105 अपॉन माइनस का आ जाएगा कितना, 4। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो अपने लिए वैल्यू आ जाएगी, V = 26, माइनस का आ रहा है 0.25। ये जो वैल्यू है ये किसकी आई है, CD की प्लेस आया है, CD की जो इमेज है वो बनेगी कितने, 26.25 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब है ये एक इमेज बनी CD की डिस्टेंस, और ये भी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये एक इमेज बन गई 30 पे। तो हमें चाहिए है ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज, तो वो जाएगा डेल V, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 30 - 26.25 कितना आ जाएगा, Δ V = 3.75 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है,
तो ध्यान हो अपने को दो कंडीशंस होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और फर्स्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रे है वो सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए, तो एक है। दूसरा होना चाहिए कि क्रांतिक कोण, तो इसमें कोई दूसरी कंडीशन दे नहीं रखी है, तो फर्स्ट एक ही गिवन है कि प्रकाश सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए, विरल माध्यम में यात्रा करना चाहिए। नेक्स्ट है 5D एंड -2D क्षमता के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। पावर का फॉर्मूला है P1+P2, और इससे +5 और -2 करेंगे आप, पावर आ जाएगा कितना, 3 प्लस का। हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो होती है पावर का रेसिप्रोकल, उल्टा होता है, तो 1/P, 1/ कितना कर दोगे, P अगर निकालना है, हमें निकालना है फोकस दूरी पूछी है, तो पावर कितनी आ गई है, 3 डायप्टर, तो ये 1/3 आ जाएगा, कितना, 0.33 किसमें, मीटर में। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, जब कोई वस्तु लेंस से U1 और U2 दूरी पर होती है तो समान आवर्धन के साथ क्रमशः वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें दो कंडीशन इसने बताई हैं। लेंस दे रखा है, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है आवर्धन का m = f/f+u, यह आ जाएगा। अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला है इसमें कह रहा है कि रियल और वास्तविक और आभासी, वास्तविक के लिए m कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां दोनों के लिए वो बराबर करना चाह रहा है, तो दो फॉर्मूले हम बराबर कर लें, तो यहां u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए, क्योंकि ये लेंस कैसा नहीं हो सकता, अवतल लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अवतल हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी, तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी तो कैसी होती है, पॉजिटिव, और u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो दोनों कंडीशन हम इक्वल करके इसमें रखते हैं, तो ये आ जाएगा m1 = कर लेंगे m2, और ये f/f+u आना चाहिए था, लेकिन u हमेशा नेगेटिव, u1 = f/f-u2, दो कंडीशन हो गई। एक m जो है रियल के लिए कैसा होता है, नेगेटिव, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो f अपने लिए आएगा प्यारे बच्चों u1+u2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के विभिन्न भागों में प्रवेश करने वाले प्रकाश के सही क्रम का चयन करें। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, सबसे पहले जो आंख पर प्रकाश आता है वो कहाँ आएगा, बाहर कॉर्निया पर, तो कॉर्निया 3 में मिल रहा है हमें, तो यहां नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो कौन होता है, आयरिस। आयरिस देखो, आयरिस जो है वो कहाँ होती है, जस्ट कॉर्निया के पीछे, और उसका जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, पुतली, और फिर लेंस, और लास्ट में कौन होता है, रेटिना। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, शीला अखबार नहीं पढ़ सकती है जब उसे 100 सेंटीमीटर से अधिक नजदीक दूरी पर रखती है। तो आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, और ये यहां ये कौन सा दोष है जो ये 100 सेंटीमीटर से अधिक नजदीक रखती है, तो इसका मतलब ये नहीं पढ़ पा रही है, तो उसके लिए ये दोष हो गया कौन सा, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और उसमें एक फॉर्मूला बनता है लेंस की पावर निकालने के लिए, तो वो पावर उसने पूछी है, तो पहले इसके लिए फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और f = हो जाएगा xd/x-d, ये हमारे लिए फॉर्मूला होता है। इसका x जो है ये नियर पॉइंट है, जो कितना हो चुका है 100, तो 100 × d अपना कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ये x हो गया 100 − 25, तो ये कितना रिमेनिंग कितना बचेगा, 2500/100 − 25 बचा 75। ये फोकल लेंथ किस में आई है, सेंटीमीटर में, अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25/75, इसका मतलब 1/3, ये किस में आ गई है, मीटर में। अब हमें इसकी पावर निकालनी है, तो पावर के लिए P = कितना आ जाएगा, 1/f, 1/f कितना है, 1/3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 3 क्या आ जाएगा, डायप्टर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर तक खींचने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है तो स्प्रिंग का स्प्रिंग स्थिरांक होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू 1/2 kx2, देन वर्क डन इज गिवन 4 जूल 1/2 k, और x को हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके रखना है, तो 4/100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट करेंगे k, तो k आ जाएगा 5×10³ न्यूटन पर मीटर। यहाँ ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। 9 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम जो प्रारंभ में विराम में है, देखो इसमें होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब है बम जब फटता नहीं है, आराम से स्टेबल होता है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। तो P1+P2 जो है बाद का और प्रारंभिक संवेग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो P1+P2 क्या हो जाएगा, 0। P1 आ जाएगा कितना, m1v1+m2v2 अगर हम वेक्टर फॉर्म में लें तो ये 0 आ जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इधर इक्वल होना चाहिए। तो m1v1+m2v2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में है, सॉरी ये तो 0 होगा, और हम कर देंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इससे हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, v1 नहीं है, तो v1 कहां से निकलेगा, 1/2 काइनेटिक एनर्जी दे रखी है m1v1 square, इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी, 216 जूल। इससे आप 1/2 m1 मास जो फर्स्ट है वो कितना है, 3 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, v² 216 है, ये 2 उधर भेजेंगे, 3 डिवाइड करेंगे, तो v² आएगा कितना, 144, और v आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। ये 12 मीटर पर सेकेंड जो है वो यहाँ पुट करेंगे, मास दे रखा है पहले का कितना 3, वेलोसिटी कितनी है 12, m2 जो मास है वो कितना है 6, v2 हमें फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, अपना ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4th। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ तक, ओके। हेलो एवरीवन, हिंदी मीडियम 10th क्लास हिंदी मीडियम टेक्नो 2024 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना बेटा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहा है केवल, आपको ये बताना है केवल किसने की थी, तो बेटा करने वाला कौन है, जेम्स चैडविक, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू क्या होगी, बेटा E/m का मतलब क्या है पहले वो सुनो। E/m बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी कण के लिए हमको ये देखना है कि उनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। आवेश और द्रव्यमान का हमको अनुपात चेक करना है। अब यदि हम इसमें बड़ा इलेक्ट्रॉन की यदि बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश की वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1×10⁻²⁸ ग्राम। ये ग्राम में लिखा है, ध्यान रखें क्योंकि ऑप्शन हमको सारे ग्राम में गिवन है। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको बनेगा बेटा 1.75×10⁸ कूलम्ब प्रति ग्राम, जो कि हमको गिवन है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात चेक करना है। नेक्स्ट 53, किसी पात्र में 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस हमको दे रखी है, बोला है कि इतने लीटर STP पर इतने परमाणु ऑक्सीजन के हटा दिए जाए तो कितनी ऑक्सीजन बचेगी, बची हुई गैस का भार हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट कितना गिवन है कि साहब 64 ग्राम गिवन है पहली बात, दूसरी बार कितना हटाया कि साहब 11.2 लीटर ऑक्सीजन STP पर हम हटा रहे हैं, तो हटाने का मतलब क्या कि क्वेश्चन में हमको आयतन गिवन है 11.2 लीटर, STP पर जब भी गिवन हो बेटा मोल निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड करते हैं, इधर से मोल निकल के आएंगे कितने 1/2। अब जब मोल आ गए तो मोल से हम भार निकालेंगे क्योंकि हमको भार ही दे रखा है और भार से ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भार निकालने के लिए बेसिकली हम बताते हैं कि जो मोल है उसको यदि हम उसके अणुभार से मल्टीप्लाई कर दें, और चूंकि बात बेटा गैस की हो रही है तो गैस के मोल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1/2, अणुभार ऑक्सीजन का यदि निकालोगे तो 32, सॉल्व होने पर कितने ग्राम आएंगे 16 ग्राम। एक तो हमने ये हटा दिया, दूसरा हमको बेटा इसमें पूछा है कि इतने परमाणु ऑक्सीजन के हटा दिए जाए तो परमाणुओं को भी भार में चेंज करना पड़ेगा कि कितना हम भार हटा रहे हैं। तो देखो परमाणु यदि हमको दिए जाए तो उसको मूल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो संख्या से, और अवोगाद्रो संख्या वही है 6.022×10⁻²³,
सॉल्व करने पर मोल कितना बनेगा? 1। इस मोल को वापस से हमको बेटा भार में चेंज करना है, तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, मोल बराबर भार बटे अणुभार। लेकिन इस बार हमको परमाणु के बने, तो हम अणुभार की जगह हम परमाणु भार का यूज करेंगे। हमको भार निकालना है, मोल है 1, ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा है तो परमाणु का परमाणु भार है 16, यानी कि इसका भी कितना वजन हमने ले लिया? 16 ग्राम। अब बात इतनी है कि पहली वाली कंडीशन में हटाया गया वजन था 16 ग्राम, दूसरी वाली कंडीशन में भी हटाया गया वजन है 16 ग्राम, तो टोटल कितना वजन हटाया? 32 ग्राम। टोटल अमाउंट था कितना हमारे पास? 64। तो बेटा बची हुई गैस का भार कितना होगा? 64 माइनस 32, कितना बना? 32 ग्राम। नेक्स्ट, एबीसी की मान ज्ञात करना है, समीकरण हमको दे रखी है, केवल बैलेंस करना है हमको, रिएक्शन को संतुलित करना है। Fe प्लस H2O बराबर है Fe3O4 और प्लस H2। बैलेंस करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको जो भी इसमें गिवन हो, किसान जैसे आगे परमाणु की संख्या 3 दे रखी है, इधर आपको 1 दे रखा है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आयरन बराबर। ऑक्सीजन हमको 4 दे रखी है, इधर 1 ही दे रखा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन हमको 4 × 8 दे रखा है, बेटा यहाँ पे बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, यदि आप एटम की बात करें तो 3, 4 एंड 4 मेन ऑप्शन नंबर कौन सा? 3, 4 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित है? केमिकल रिएक्शन किस में है, हमको ये चेक करना है केवल। अब एक पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन को सिलेंडर में रखना। अब ऑक्सीजन को सिलेंडर में रख भी दोगे तो रखने से कोई केमिकल रिएक्शन होती नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। वायु का द्रवीकरण, द्रवीकरण का मतलब होता है एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, द्रव में कन्वर्ट करना। लिक्विड में कन्वर्ट करने भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। पेट्रोल को चीनी मिट्टी के पात्र में रखेंगे, ये लो चीनी मिट्टी का पात्र, इसमें रखा है पेट्रोल, रख भी दोगे तो क्या होगा बेटा? इसका इवेपोरेशन हो जाएगा, बाष्पीकरण। और बाष्पीकरण होना किसी भी तरीके से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये केवल एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, तो ये भी नहीं आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है, हाई टेम्परेचर पे कॉपर के वायर को गर्म करना है वायु की उपस्थिति में। तो देखो ये रहा कॉपर, ये रही वायु, ये रहा आपके हाई टेम्परेचर, और इसको गर्म करने पर बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब बात ये है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो रही है ना रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन में भी यही पूछा है रासायनिक अभिक्रिया किसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सत्य कथन, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, किसके लिए? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। रिएक्शन कौन सी है कि साहब? ये इसमें चेंज हो रहा है, Fe2O3 का Fe में चेंज और CO का CO2 में होने वाला चेंज। Fe2O3 का Fe में चेंज होगा तो ऑक्सीजन हटी, और ऑक्सीजन के हटने वाली कंडीशन को कहा जाता है अपचयन। और CO में CO2 बनी मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, और जुड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीकरण। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जिसका अपचयन होता है वो स्वयं कार्य करता है बेटा ऑक्सीकारक की तरह, यानी कि वो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है मतलब वो दूसरे का अपचयन कराएगा, तो वो वर्क करेगा एज ए अपचायक की तरह। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, सही बात है। CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये रहा CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही बात है। Fe2O3 अपचायक, ना अपचायक वो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है? CO का, तो CO यहाँ पे वर्क करेगा अपचायक की तरह, यहाँ देखा Fe2O3, तो ये बात गलत हो गई। Fe का अपचयन नहीं, अपचयन तो किसका हो रहा है? Fe2O3 का, तो ये बात भी गलत। सही कौन कौन से फिर? A और B, यानी कि थर्ड ऑप्शन। कौन से लवण का सूत्र जल के शुद्धिकरण में काम आता है? जल के शुद्धिकरण से क्या मतलब है कि हम जल में क्या मिलाएं कि जल के अंदर प्रशुद्ध जो अशुद्धियां हैं, प्रस्तुत अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां गायब हो जाएं या अशुद्धियां सीधे पैंदे के अंदर बैठ जाएं। तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाए शुद्धिकरण के लिए? बेसिकली जो मटेरियल काम आता है बेटा वो आता है फिटकरी। कौन सा काम आता है? फिटकरी। अब फिटकरी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये रहा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस.24H2। ये फॉर्मूला फिटकरी का है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक तो बनेगा सोडियम का सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, एक बनेगा H2O, एक बनेगी CO2। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साहब एक गैस निकलती है, ये रही वो गैस, तो गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या वो गैस चूने के पानी को धो दिया कर देती है? चेक कर लेते हैं,
क्या होता है चूने का पानी, ये सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कि यदि हम इसमें CO2 पास करें तो क्या होगा, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट वो कैसा होता है कि सब सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का होता है, मतलब दूध जैसा होता है क्या? बिल्कुल मिल्क के जैसा होता है, मिल्क के जैसा होता है मतलब दूध दिया करेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ज्वलनशील ज्वाला को बुझा देती है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो हम काम ही अग्निशामक की तरह लेते हैं, और अग्निशामक की तरह यदि काम लेते हैं इसका मतलब है ज्वलनशील ज्वाला को बुझा सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में घुल जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH की बात कर रहे हैं, और घुल जाती है का मतलब CO2 की बात कर रहा है, और जब दोनों के रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा बेटा आपके सोडियम कार्बोनेट और साथ में बनेगा H2O, तो बिल्कुल सही हो रहा है कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब CO2 NaOH से रिएक्ट करे, मतलब इसमें डिसॉल्व हो जाए, इसमें घुल जाए, तो ये इसका स्टेटमेंट भी सही है। तीक्ष्ण गंध होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बेटा गंध ही होती है, इसमें तो कोई गंध ही नहीं होती, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन कौन सा है, तो ए बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जो हमको क्या बने फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट, पोटेशियम के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का सही मेल है, सही मेल है कैसे करेंगे, कैसा पोटेशियम दे रखा है, पोटेशियम मतलब के एटॉमिक नंबर होता है इसका 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s में कितना 1। हमसे क्वेश्चन में पूछा है संयोजी को, संयोजी का मतलब बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश कौन सा है बेटा यहाँ पे 4s1। इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए हमको निकालना क्या है कि बेटा उसके क्वांटम संख्या होगा मान, कैसे निकालते हैं कि बेटा क्वांटम संख्या जो होती है वो चार तरह की होती है, एक मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, जिनको हम एन एल एम और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यदि देखा जाए तो बेटा मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब जो भी यहाँ पे अधिकतम नंबर आपको गिवन होता है डिजिट के फॉर्म में वो आपके एन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 4, ये कोशों की संख्या को प्रदर्शित करता है, कोश नंबर ऑफ शेल। एल का मतलब है द्विगुंसी क्वांटम संख्या, जिसका मान अलग अलग उपकोशों के लिए हम फाइंड करते हैं, चार तरह के हमारे पास उपकोश होते हैं बेटा, चार तरह के उपकोश का मतलब जैसे कि बेटा एस पी डी और एफ, ये चार तरह के उपकोश होते हैं, चार तरह के उपकोशों के लिए एल की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 फिक्स होती है वैल्यू 0, 1, 2 और 3। हमको क्वेश्चन में एस गिवन है तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0। एम, एम होता है माइनस एल से लेके और प्लस एल तक, एम का मतलब होता है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसका मान होता है माइनस एल से लेके प्लस एल तक, माइनस एल से लेके और प्लस एल तक। अब एल की वैल्यू यदि 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या रहेगी 0, क्योंकि 0 माइनस 0 से प्लस 0 0 0 ही होता है। एस का मतलब है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू फिक्स है बेटा प्लस माइनस हाफ, जो कि प्रदर्शित करती है इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा को, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कैसे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उसके लिए हम प्लस माइनस हाफ शो करते हैं। चेक किया था बेटा 4 0 0 और हाफ, तो 4 0 0 और हाफ पहले ही ऑप्शन में गिवन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नाभिकों का कौन सा त्रिक, यानी कि 3 का समूह सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें न्यूट्रॉन क्या हो बेटा समान संख्या में उपस्थित हो, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन। देखो किसी भी परमाणु को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा जेड एक्स और ए से करते हैं, और यदि हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए लिखा जाता है कि परमाणु भार में से यदि हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें, परमाणु भार में से यदि हम किसको माइनस कर दें बेटा परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें, कैसे करेंगे, जैसा ऊपर वाली वैल्यू होती है ना ये तो परमाणु भार होती है, नीचे वाली वैल्यू परमाणु क्रमांक होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करते ही क्या निकल के आ जाएगा बेटा न्यूट्रॉन, कैसे, फर्स्ट ऑप्शन देखो 14 - 6 किया तो कितना बना 8, 15 - 7 किया तो कितना बना 8, 17 - 9 किया कितना बना 8, तो 8 8 8 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 888 इसमें चेक किया 12 - 7 कितना हुआ 5, 14 - 7 कितना हुआ 7, 19 - 9 कितना हुआ 10, अलग अलग वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, गलत हो गया, इसमें भी अलग अलग आएंगी, इसमें भी अलग अलग आएंगी, चेक कर लेना। हमसे पूछा है सम न्यूट्रॉनिक समान संख्या में न्यूट्रॉन, तो बेटा वो पहले ऑप्शन में प्रेजेंट है समान संख्या में न्यूट्रॉन। होप, उम्मीद है कि आपके लगभग सभी क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे और आप
बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते रहे। थैंक यू, जय सी एल सी, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं सुबोध शर्मा, सी एल सी टेक्नो 23 के सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के हिंदी मीडियम का अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं यहाँ पे 10th क्लास का। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फुफ्फुसे सीरा लेके जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन है, जो केस है, वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं जब भी हर्ट से, आपके हर्ट से ब्लड को लेके जाते हैं कहाँ पर, बॉडी पार्ट्स के अंदर। कहाँ पर लेके जाएंगे? बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाते हैं। तो वो लेके जाने का काम किसका होता है बेटा? आर्टरीज का होता है। किसका होगा? आर्टरीज का। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? O2 ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? O2 ब्लड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर वेन्स की बात हो रही है। कहाँ, किसकी बात हो रही है? वेन्स की, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सीराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीराएं बोलेंगे। और जो फुफ्फुसीय सीरा है, जिसको अपन पल्मोनरी वेन्स भी बोलते हैं, वो हमेशा क्या लेके जाएंगे? शुद्ध रुधिर को लेके जाएंगी, जो कि कहाँ पर होगा? आपके लंग्स से कहाँ पर जाएगा? हर्ट के अंदर चला जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2, हमेशा शुद्ध रुधिर लेके जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब अपन को सेकेंड का क्वेश्चन क्या है? कौन सा क्रम मनुष्य में वायु मार्ग का सही विकल्प है? वायु मार्ग की जहां पर बात हो रही है, तो उसके लिए अपन पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायुकोश। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है इन ऑप्शन के अंदर, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसके अंदर? सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो अपने पास में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। अपन को क्या देखना है? कथन, जो गलत कथन है उसको अपन को डिनोट करना है। तो अपना जो पहला ऑप्शन है उसमें है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट प्लीहा और यकृत में विघटित होती है। ऑप्शन नंबर 2, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा बिंबाणु। बिंबाणु जिन्होंने प्लेटलेट्स जो होते हैं वो अस्थि मज्जा के द्वारा उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रोफिल प्रोटीन उद्भव के विषैले पदार्थ का विनाश और विष रहित करती है। चौथा ऑप्शन क्या है? लिम्फोसाइट का महत्वपूर्ण कार्य प्रतिरक्षा का उत्पादन करना है। तो यहां से जो आंसर निकल के आ रहा है वो है, एक तो होगा आपका ए और एक होगा आपका सी। तो अपन जब ऑप्शन की बात करते, ऑप्शन में हो जाएगा आप कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। केवल ए और सी कौन से हैं? गलत कथन है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, एक पादप में जब केवल एक तरफ से प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रकाश के स्रोत की ओर झुकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस घटना का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो देखिए अपन 4 ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसे प्रकाश की आवश्यकता होती है। उनके तनों के शिखर प्रकाश से आकर्षित होते हैं। कुछ ऑक्सिन, जहां पर ऑक्सिन का नाम आ रहा है तो अपन को पता है ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन क्या होते हैं? ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ ऑक्सीजन छायांकित भाग पर जमा हो जाते हैं, जो उस तरह अधिक कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। किसका करना है? सही विकल्प का। जो स्टेटमेंट सही है उसको अपन को क्या करना है? यहां पर अपन को दर्शाना। जैसे कि इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है, प्रकाश में ऑक्सिन हार्मोन पौधों में कोशिकाओं की लंबाई में बढ़ाने में मदद करता है। ये बात सही है। हमेशा जो ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं वही क्या करते हैं? प्लांट में ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है? पादप हार्मोन जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक करता है। हमेशा जो जिब्रेलिन हार्मोन है, हमेशा जो जिब्रेलिन हार्मोन है वही क्या करेगा? तने की, स्टेम की जो मोटाई है उसको बढ़ाने में क्या करता है? उसकी, उसको वृद्धि करने में, उसकी ग्रोथ करने में क्या करेगा? हेल्प करता है। तो अपन को सही विकल्प चुनना था। इसका अंदर कौन सा गया? ए और बी दोनों क्या है आपके? सही हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पादप में आनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? कोशिकांग की बात आ रही है। तो अपने जब 4 ऑप्शन देखते हैं तो 4 ऑप्शन के अंदर केंद्रक भी है। सेकंड में देखो केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट भी है। थर्ड में केंद्रक भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। चौथा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अपन जब 3rd ऑप्शन को देखते हैं तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है?
अब देखिए हम लोगों को चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में पहला कौन सा है, कवक। कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। और काइटिन क्या होती है, उसकी कंपोजिशन होती है, किसकी सेल वॉल की कंपोजिशन होगी। उसके बाद में फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करें, फॉस्फोलिपिड में दो टाइप की, सॉरी फॉस्फोलिपिड और प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड की क्या होती है, स्ट्रक्चर बनी होती है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड उत्पन्न होते हैं। दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है एंजाइम लाइपोपॉलीसेक्राइड्स, ये नहीं होता है। तो इसका जो अपन को गलत सम्मिलित करना था वो कौन सा आपका हो गया, थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड, एंजाइम और लाइपोपॉलीसेक्राइड्स हो गए। कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह अपन किसको बोलते हैं, कोशिका शक्तिग्रह अपन बोलते हैं बेटा किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि पहला इसके अंदर ऑप्शन है एक झिल्ली से परिबद्ध होता, नहीं ये द्वि झिल्ली से परिबद्ध होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनमें से सेकंड ऑप्शन क्या, इनमें से क्रिस्टीन होती है जो कि इसकी बाहरी झिल्ली को विस्तार करती, नहीं इसकी जो क्रिस्टीन होती है वो अंदरूनी झिल्ली को, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करती है, विस्तार करती है, सरफेस एरिया को क्या करती है, वो बढ़ाने का काम करती है। तीसरा क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के निर्माण में, निर्माण स्थल में। चौथा क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक का तो अपन मानेंगे कि यूकैरियोटिक का तो यूकैरियोटिक के अंदर हमेशा आपके माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी नहीं मिलता। तो इसका सही जो आंसर है वह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के निर्माण स्थल है, आपकी जो एनर्जी करेंसी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटीपी का जो सिंथेसिस है वो हमेशा किसके अंदर होगा, इसी के अंदर होगा। इसको ऊर्जा मुद्रा को अपन बोलते हैं एनर्जी करेंसी। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक कोशिका है, वास्तविक कोशिका सॉरी नहीं है, जो अपन ऑप्शन देखें मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। जब अपन कंपोजिशन पढ़ते हैं किसकी, ब्लड की, तो अपन उसमें तीन टाइप की कोशिकाएं पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो आपका बिंबाणु है जिसको अपन प्लेटलेट्स बोलते हैं वो आपकी वास्तविक कोशिका नहीं होती है। मूल रोम किसे, किससे विकसित होते हैं, तो मूल रोम अपन बोलते हैं किसको, रूट हेयर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रूट हेयर्स को। तो इसकी बाह्य त्वचा से, बाह्य त्वचीय कोशिका से, वल्कुट से, इन तीनों से ना होकर ये किससे होते हैं, अधित्वकीय कोशिका से ये विकसित होती है। इसी के साथ थैंक यू।